हेलो तो दोस्तों, कैसे आप सब? होप एवरीवन इज डूइंग वेल। सो गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू स्ट्रीम जो हमारे होने वाली पबजी मोबाइल टिप्रा सीरीज के यहाँ पर क्वार्टर फाइनल है, जिस जो हमारे ग्रुप जेड के आज मैचेस है। 3 मैचेस विल बी द बैक टू बैक 5, 6 एंड 7। फर्स्ट मैच विल बी अ सानोक, सेकंड विल बी द मेरा मारन, थर्ड विल बी द रैंगल, एंड आपके जो बाकी के 3 मैचेस होंगे तो मोस्ट प्रोबेबली वो कल होंगे नाइट में, जो हमारे 4th, 5th और 6th मैच। जो पहला मैच था हमारा सानोक, वो कभी हो सकता स्टार्ट। मेरे भाई अपने साथ लॉबी में जुड़ चुके हैं 60 प्लेयर्स, और देखते हैं सांपों के टपरे में कौन सी टीम लेके जाते हैं चिकन डिनर। सो बात करें हमारे फर्स्ट मैच यहाँ पर हो चुका स्टार्ट, फटाक से करते हैं कौन कौन सी टीम आई है हमारे साथ मैच के अंदर, देखते हैं। टोटल बात करें प्लेयर्स की तो 61 प्लेयर्स लॉबी में जुड़ चुके हैं। पहली टीम हमारे वीई हमारे साथ आई है, वोट की टीम आई है, किंग्स की टीम आई है, कर्मा की टीम आई है, हमारे A10 हमारे साथ आए हैं, रेक्सी भैया का जो स्क्वाड आया हमारे साथ रहता है, NER आया, GIG आया, TXG आया, स्पाई आया, BE आया, ओके तो BTL आया, HB हमारे साथ आ चुका, हमारे ब्लिट्स के प्लेयर आ चुके, ANH आ चुके हैं, एंड अपने जो कि TQ का स्क्वाड भी हमारे साथ आ चुका है। काफ़ी टीम मेरे को दोबारा देखने को लग रही है कि सेमीफाइनल में दोबारा स्लॉट मिलेगा कुछ टीम का, मेरे को समझ नहीं आ रहा, या फिर इन टीम्स का। अच्छा ओके, तो लीग स्टेजेस की बात करें तो लीग स्टेजेस में तो सारी टीम आई होंगी, तो देखियो टीम में मेरे सारी किसी की सारी टीम को जानता हूँ मोस्ट प्रॉब्ली, काफ़ी टीम्स को मैंने देख चुका है। बात करें हमारे टोटल 17 प्लेयर्स हमारे मैच के अंदर और 61 प्लेयर्स अभी तक के लिए टोटल हमारे मैच के अंदर। बात करें फटाक से प्लेन पाथ की, तो प्लेन पाथ जो हमारा सामी की तरफ से चालू होता है और उनके द्वारा निकलता है हमारा हाथिन पर जाकर खत्म होगा, देखते हैं कौन सी टीम कहाँ जाने का कर सकती है प्रयास अभी तक के लिए। बात करें हमारे TXG के प्लेयर की, तो TXG के प्लेयर जो अभी तक के लिए हमें कैंप एल्फ चार्ली की तरफ जाते हुए देखने, मेरे किंग्स के प्लेयर की बात करें तो किंग्स के प्लेयर हमारे सामी की तरफ को एक सोलोमन सैंडिंग जाता हुआ देखने को मिल रहा है, और बाकी प्लेयर्स भी शायद जामी के साइड वाले कंपाउंड लूटने को देखने को मिल सकते हैं। ANH की बात करें तो ANH के जो हमारे प्लेयर है अभी तक के लिए पायलन के साइड वाले कंपाउंड लूटेंगे, बूट कैंप पे हमारी BTL की स्क्वाड एंड स्पाई की स्क्वाड देखने को मिल सकती है। GIG के प्लेयर्स की बात करें तो कैंप अल्फा के साइड वाले कंपाउंड लूटने को देखने को मिलेंगे। बात करें हमारे VE की, WOG एंड जो कि HB का हमारा जो स्क्वाड है पैराडाइज की तरफ को जा रहा है। बात करें हमारे वोल्ट के प्लेयर की, तो पैराडाइज के साइड वाले कंपाउंड लूटने को मिल सकते हैं। ब्लिट्स के प्लेयर की बात करें एंड NER की बात करें तो हमारे कैंप अल्फा की तरफ को जा रहे हैं अभी तक के लिए। बाकी बात करें ओके तो BE के प्लेयर्स हो गए हमारे, TQ के प्लेयर्स एंड जो हमारे A10 के प्लेयर्स हैं, 300 एक साथ काओ की तरफ को जाते हैं अभी तक के लिए देखने को मिले। देखते हैं पटाख से कहाँ पर हमें अर्ली फाइट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अर्ली फाइट अभी तक के लिए चांसेस कम देखने को मिल सकते हैं। पहली बात कैंप अल्फा पे हमें देखने को मिल सकते हैं या पैराडाइज पे हमें फाइट हो सकती है, काओ पे हो सकती थी लेकिन काओ पे थोड़ी सी दूर स्प्लिट देखने को मिल रहा है अभी तक के लिए हमारे बंदे। तो फटाख से चल रहे थे हमारे कैंप अल्फा के ऊपर, एक्जैक्टली मेरे भाई कैंप अल्फा पे काफी देखने को मिल सकती है मेरे फाइट हमारी NER वर्सेस ZNTX की अभी तक के लिए। टीम HB विनर रहा है, ये टीम HB बोलते हैं गोविंद पांडे वेलकम टू द स्ट्रीम। मेरे भाई गोविंद पांडे रुको जरा, सबर करो, देखने का मौका मिलेगा। अरे अरे बात करें यहाँ पर लूट करना कर दिया स्टार्ट अभी तक के लिए हमारे NER के प्लेयर, ब्लिट्स के प्लेयर होल्ड कर तो देख रहे हमारे कैंप अल्फा के ऊपर। बात करें पीछे से हमें लूट कर तो देखने को मिल रहा है अभी तक के लिए, कह रहे थे सिचुएशन अभी तक की। अब बात करें प्लेयर्स की तो 3v3 की अभी तक के लिए सिचुएशन हमारा, नोटोरियस भैया की बात करें तो नोटोरियस भैया के पास हमारे M4 QBZ अभी तक के लिए देखने को मिल रहा है। अभी तक के लिए CAPU की बात करें तो CAPU की इधर बात करते तो हमारे UMP विद कौन सी करना मेरे भाई, ओके सिंगल UMP देखने को मिल रहे हैं हमारे CAPU को, पता लग चुके सामने प्लेयर आ चुके, काफी क्लोज आवाज आने को देख लिया। मारू की बात करते तो हमारे के पास हमारे बारल विद टॉमी के साथ देखने को मिल सकती है। राधा मोहन मिश्रा वेलकम टू सी मेरे भाई, वर्ल्ड का ओपी ये देख ही रहा हूँ ब्रो, राधा मिश्रा ओपी विल नाइस गेम प्लेयर, चिल मारो लॉन्डे कोई दिक्कत नहीं, देख द मूव अप, सपोर्ट करो अपनी टीम्स को। बात करें हमारी टीम नंबर 20 जो ब्लिट्स के प्लेयर ऑलरेडी कर चुके हैं फॉल बैक अभी तक के लिए, देखते क्या रहते हैं सिचुएशन। वर्ल्ड का दिखा जरूर दिखा देते हैं मेरे भाई, वर्ल्ड का को कौन सी टीम में खेल रहा हमारा वर्ल्ड का अभी तक के लिए, पर टाक से देख लेते कहाँ वेट भाई वर्ल्ड का कौन सा वर्ल्ड का। ओके तो बात करें हमारे बी के प्लेस पर चल लेते हैं फटाक से हमारे, क्योंकि IMB के प्लेयर वहाँ पर कर देना मेरे भाई, तब तक आप बता दीजिए मेरे को चार का कौन सी टीम में खेलने को मिल रहा है। A10 के गेम मेरे को कर देगा खेल सके, और हमारे बी के प्लेस को द्वारा लोकेशन की बात करें तो खाओ देखने को मिल सकती है, एक और प्लेयर पीछे होल्ड कर तो देख रहे हमारे तो असासन तौर यहाँ पर
सॉरी असासिन ने आसगार्ड तौर जो कि हमारे यहाँ क्लोजिंग करना चाहेंगे। पीछे से अर्सनल की बात करें तो अर्सनल एच पे होल्ड करते देखने को मिल रहे 2v3 2v4 की हो चुकी सिचुएशन अभी देख ले, काफी गलत सिचुएशन हो चुके वी के आसिस। ओके आशीष की बात करें तो वी के आशीष पे चलते हैं बताते हैं वी के आशीष का सिचुएशन, लेकिन यहाँ पर शॉट देते हैं हमारे अर्सनल भैया। अर्सनल भैया की बात करें तो रैंडम शॉट दिए जा रहे ओपन में आना चाहेंगे हमारे अमेजिंग अभी तक के लिए देखते कह रहे थे सिचुएशन। बात करें हमारे प्रोबोट की तो प्रोबोट को कर दिया जाएगा खेल सिकट हमारे आशीष भैया के द्वारा जो वी के स्क्वाड में खेलते हुए अभी तक के लिए देखने को मिल रहे। तीनों के तीनों प्लेयर कर दिया ऊपर क्लोजिंग ने ब्रोक प्लेयर की बात करें तो ये मरूक का ऑलमोस्ट 50% सर्वाइव करते देखने को मिल रहे। शॉट साथ में देखने को मिल सके हमारे अर्सनल को, अर्सनल बॉल के पास जाकर ध्यान जाएंगे सामने स्पॉट डॉट में हमारे इधर भैया की बात करते इधर भैया ड्रॉप शॉट देना चाहेंगे, लेकिन हमारे यमरूक भैया पीछे से खतरनाक कवर फायर देंगे। लेकिन नहीं आसगार्ड थॉर ने यहाँ पर डिसीजन लिया, पीछे फॉल बैक करने का अच्छा डिसीजन हो सकता है क्योंकि यहाँ पर अली एग्जिट नहीं ले जाओगे इस टेस्ट एंड बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर यहाँ पर हम फॉल बैक कर सकते हैं। अभी बात करते हैं हमारे वोल्ट के प्लेयर की तो वोट के प्लेयर यहाँ पर क्लोजिंग करना चाह रहे हैं, 20 की बात करें तो क्लोजिंग करते जा रहे हैं वो काफी तेजी के ऊपर। एच बी के प्लेयर पर चलते हैं पटाक से हमारे एच बी के प्लेयर की बात करते हैं, हमारे एक प्लेयर एच बी के वहाँ पर गवाह भी बैठे थे एंड एग्जैक्टली हमारे गुरु भैया की बात करते हैं गुरु भैया की चुके फाइट यहाँ पर टॉमी भैया ने कर दिया एक नॉकआउट हमारे टॉमी के द्वारा कर दिया सॉरी हमारे वोट का भैया ने नॉकआउट। मार्केस की बात करें मार्केस एक अच्छी हाइट एडवांटेज लेके मार्केस यहाँ पर अगर स्पॉट करते तो काफी गलत कर सकते हमारे प्लेयर के, शायद हमारे गुरु को भी नहीं पता कि मेरे भाई आपके ही छत के ऊपर एक मार्केस नाम का लौंडा ऊपर होल्ड कर तो दिख रहा है। बात करें हमारे प्लेयर के फ्लिक के तो फ्लिक भी पीछे जाने का ट्राई करें अभी तक घर के अंदर जा चुके हमारे एचबी के प्लेयर। बात करें मार्केस की तो मेरे पास पीछे जाना चाह रहे क्लोजिंग करना चाह रहे मेरे भाई टीपी लेना चाहे अगर शायद आप एक सेकंड पहले यहीं पे आगे टीपी ले लेते तो हमारे गुरु भाई को कर सकते थे वाई वॉट पोर्टल को सर अपने खाते में डाल सकते थे अभी तक के लिए। बात करें हमारे पीछे से फ्लिक होल्ड करना चाहेंगे काफी सिचुएशन गलत हो चुके 3v3 की हो चुकी हमारे पैराडाइज में सिचुएशन। बात करें हमारे फ्लेयर गन चलते देखने को मिले जो कि मोस्ट प्रॉब्लम जो बूट कैंप की तरफ को देखने को मिल रहा है एक्जैक्टली मेरे भाई बूट कैंप की तरफ फ्लेयर गन देखने को मिले। कॉल करना चाहेंगे हमारे माजी टोपी ने खतरनाक कर दिया एक गोली का बॉल में बचा प्लेयर आप होल्ड कर दिया पीछे कर दिया रनों हमारे गोल्ड कप को भी दूसरे प्लेयर पे एक और प्लेयर को कर दिया जाएगा नॉकआउट हमारे लास्ट में स्टैंडिंग हमारे प्लेयर बचते गुरु आप गुरु शॉट देंगे लेकिन गुरु को भी कर दिया जाएगा पूरे तरीके से लेट हमारे मार्केस भैया के द्वारा। तो किल की बात करें तो तीन किल अपने खाते में डाल चुके जो कि हमारे प्लेयर है पर कर्मा के प्लेयर वहाँ पर पूरी की पूरी वोड का ओपी गेट ट्राई कर चुके हेलमेट चला चलते हैं फटाक से हमारे बाकी प्लेयर्स के ऊपर भी। एनईआर के प्लेयर की बात करें तो एनईआर के प्लेयर के ऊपर फाइट एक्जैक्टली हो तो देखने को मिल सकते थे पीछे हमारे जीआईजी के प्लेयर के अगेंस्ट में तो जीआईजी के प्लेयर जो कि हमारे दो किल अपने खाते हैं पूरी तरीके से डाल सकते क्लोजिंग करना चाहेंगे। मॉन्ग की बात करते तो मॉन्ग को पता लग चुका है मेरे भाई सामने प्लेयर होल्ड करता हो देख लेकिन बात करें क्या रहती सिचुएशन अब देख लिए क्या होगी क्या चाहेंगे नॉक देंगे अच्छा प्यारा स्पॉटिंग करके नॉक दिया मेरे भाई लेकिन आपके इतना एक्साइटेड लौटना होगा कि जंप करके मॉन्ग की बात करें तो मॉन्ग वहाँ पर प्लेयर को स्पॉट कर चुके लेफ्ट से फ्लैंक करके क्लोजिंग करना जा रहे हैं हमारे कपिल रॉय कपिल रॉय की बात करें कपिल रॉय को पास एक्जैक्टली पता लग चुका मेरे भाई लास्ट में होल्ड करता हूँ देख रहा पेयर पीछे से बात करें राज भैया की तो राज भैया काफी अच्छा फ्लैंक करना मेरा बात करें कॉपियो की बात करें कॉपियो ने एक और नॉक देखे करना चाहेंगे सिक्योर ऑन द स्पॉट कर लिया मेरे भाई सिक्योर राज की बात करें तो राज पीछे जाने का ट्राई कर रहे हैं राज को पता लग चुका सामने क्लोजिंग कर चुका है शॉट देना चाहेंगे राज को लेकिन कॉपियो भैया क्या ही लौंडा खेल रहा भाई कलर नहीं खेल रहा भाई 1v3 कर चुका है। लास्ट में संडे बात करें हमारे मॉन्ग की तो मॉन्ग यहाँ पर रिवॉल्व दे चुके अपने पेयर को पूरे तरीके से हील करना चाहेंगे हमारे पेयर 1v2 में यहाँ पर पूरे किल सिक्योर कर सकता है कर चुका है पूरे तरीके से एक और प्लेयर को नॉक करा था लेकिन वहां पर वो गया हमारे जो कि भैया वहां पर पूरे तरीके से रिवाइव अभी तक ले ड्रीडा नाम का जो हमारे प्लेयर है हेलमेट उठा तो क्या हमने ड्रीडा भैया बात करें हमारे हीलिंग की तो हीलिंग के नाम पे खाली बैंडेज देखने को मिल रहे ड्रीडा की बात करें तो ड्रीडा के बाद पर भी हीलिंग के नाम पर बैंडेज देखने को मिले क्लोजिंग करना चाह रहे हमारे कैपी की बात करें टीपी लेना चाहेंगे अभी तक स्पॉट करना चाहेंगे एक्जैक्टली काफी अच्छा डिसीजन हो सकता है क्योंकि अगर आप ओपन से जाने का ट्राई हुए तो इट विल बी एन डिसएडवांटेज फॉर यू। काफी ओपन में हल्के में ले लिया हमारे जीआईजी के लॉन्डो ने हमारे एनईआर के कॉपी को सोचा कि मेरे भाई अकेला लॉन्डा 1v4 का हाई कर लेगा जो चलो पकड़ते हैं अकेला बंदा क्लोजिंग करना चाहते थोड़ा सा गलत डिसीजन लगा क्योंकि कॉपी ने बात बता दिया मेरे भाई अकेला शेरू अकेला ही आता हूँ और अकेले लेके जाऊंगा क्योंकि अपने बाकी प्लेयर आज यूजली नटोरियस को और आमरू भैया को यहाँ पर से गवा बैठे अभी तक दो किल अपने खाते में डाल चुके जो कि 1v2 यहाँ पर करके मॉन्ग को स्पॉट करना चाहेंगे मॉन्ग को शॉट देना चाह सकते हैं अब रैंडम शॉट दिए जा सकते हैं वापस स्पॉट करना चाह रहे हैं हमारे बात करें ड्रेडा की तो ड्रेडा यहाँ पर अभी तक के लिए होल्ड करते देखने को मिल रहा है। बीटीआर के स्पार्क को कर दिया जाएगा नॉक दूसरी तरफ को चलते फटाक से हमारे बी के प्लेयर के ऊपर आईएमबी के प्लेयर ने जो करा था नॉकआउट लेकिन आपको कर देगा नॉकआउट पर पूरी तरीके से क्लोजिंग करने को चालू हो चुकी है जो कि हमारे वोल्ट के प्लेयर वोल्ट के फ्लैंक करके बात करें तो लेफ्ट से फ्लैंक करने का ट्राई करें काफी अच्छा फ्लैंक हो सकता है कर सकते हैं स्पॉट मेरे भाई अगर आप फ्लैंक करके जा रहे हो काफी आराम से स्पॉट कर सकते हो कि वापस ही वो स्पॉट कर रहा है एक्जैक्टली मेरे भाई स्पॉट कर रहा था लेकिन आप स्प्रे डालने में शायद थोड़ा सा स्प्रे लेट हो गया लेकिन वहाँ पर रिवर भैया अगले कवर में भी नहीं पहुंचता उससे पहले आपका सूर्य आ गया और आपने किल कर लोगे सिक्योर ऑन द स्पॉट क्योंकि मुझे नहीं लगता 20 आपको रिवर वाला अभी तक लेकर लेगा और एक और यमरोग भैया को भी कर दिया जाएगा नॉक एक्जैक्टली बात करें हमारे नॉक कर लेंगे हमारे आईएमबी को भी स्पॉट करेंगे नॉक कर देंगे अमेजिंग यहाँ पर लास्ट में स्टैंडिंग बताते हैं अमेजिंग ऊपर आते हैं गलत सिचुएशन अमेजिंग वहाँ पर होल्ड कर देंगे खतरनाक नॉक दिया हमारे अमेजिंग भैया ने 20 की बात करते हैं किसी 20 आने का ट्राई करें और किल करना चाहते सिक्योर मेरे भाई लेकिन हीलिंग के नाम पे काफी डाउन हुआ राइट से प्लेयर आ रहा है लेफ्ट से आ रहा है
देखना था उसके एक और पैर को करते हुए दिखे ना करते ना खेल तो मेरा भाई एक और पैर को डाउन करके काफी डाउन कर दिखा लेकिन वहां पर हीलिंग से मार खा गए मेरे भाई 20 HP पे सर्वाइव करके बैठे थे। जोन काफी काट रहा था ऑलमोस्ट आपने 1v2 वहां पर ले लिया था फ्लैंक का किल कर लिया एक और भी इसको कर देते नॉक लेकिन थर्ड मैन को ले जाते लेते बचे लेकिन शायद वहां पर थोड़ा सा हीलिंग के डिसएडवांटेज पर रहेगा कोई दिक्कत नहीं खेलता ना खेलता और साबित हुआ हमारा बी का स्क्वाड बात करें हमारे किल्स काफी बटोर गए अपने खाते के मैंने जग लिया हमारे 3 किल बटोर के गए हैं काफी खतरनाक खेल रहे थे हमारे लॉन्डे दूसरे का बात करते हो एक और हमारा कॉपी भी काफी खतरनाक खेल तो साबित होता है वहाँ पर ऑलमोस्ट 2 किल उठा चुका है एक प्लेयर को कर चुका था नॉक भी टकले ड्रेडा की बात ड्रेडा वहाँ पर काफी होल कर देखें लेकिन मॉन्क पास जो एक फ्लैंक काफी गलत फ्लैंकिंग का आपको कर देते हैं वाइपर ड्राइनर फ्रेंड जाएंगे ड्रेडा के ऊपर 1v4 की सिचुएशन यहाँ पर हो चुकी है ऑलमोस्ट आप एक तरीके से अगर आपने ड्रेडा को भी कर दिया लिमिट डिस्मैच के अंदर से तो इजी 1v4 क्लच आप करने को देखने को मिल सकता है सामने स्पॉट करना चाहेंगे ड्रेडा को यहाँ पे हमारा कॉपी भैया कर चुके पूरे तरीके से हमारे GIJ की स्क्वाड पे 1v4 की सिचुएशन बना दी मेरे भाई ने 4 किल डाल लिया कच्चा चबा गया मेरा भाई लॉन्डो को यहाँ पर लॉन्डो ने क्लोज इन किया मेरा भाई अकेला समझ के लेकिन अकेला सांड आपकी पूरी टीम को कर गया वाइप आउट मैच के अंदर से 15 रैंक के ऊपर तो काफी गलत सिचुएशन आपके लिए हो चुके मेरा 1v4 यहाँ पर कर चुका कॉपी भैया ओपन चार बोलते भाई क्या पी बोलते भाई लोग यहाँ पर 4 किल अपने खाते में डाल गए 14 में अपनी डैप की टीम को ले चुका मेरे भाई एक डांस तो बनता भाई भी तेरी तरफ से भाई खतरनाक मैं तेरे पूरी फाइट को दिखा मेरा भाई एक डांस कर दे प्लीज भाई एक इमोट मेरी जान प्लीज लेकिन हमारे भैया बहुत सीरियस है पर हमारे भैया की थोड़ी प्रेशर में आ चुके हैं क्योंकि एज यूजुअल अपना हील करने चाहेंगे जोन के बारे अभी तक के लिए तो नहीं है लेकिन एग्जैक्टली जोन के अंदर भी आपको जाना है क्योंकि ब्लू जोन से आप नहीं हो लेकिन आपको 170 मीटर जाना है रेक्सी चलते हैं हमारी रेक्सी की क्या रहती है सिचुएशन अभी तक के लिए रेक्सी आप अपने खाते में किल डाल चुके हैं और एक पूरी तरीके से हमारा स्पाइक प्लेयर का तो स्पाइक कॉन्ट्रा की बात करें कॉन्ट्रा राइट से जाना चाहेंगे स्पॉट करना चाहेंगे प्लेयर को गेट खोल के कॉन्ट्रा को कॉन्ट्रा बताओ स्पॉट करना चाह रहे बात करें हमारे रावण ओपी काफी ओपन मैन का ट्राई करेंगे पीछे बात करें हमारे स्नेह सिंह शॉट देने का ट्राई कर लेते लेकिन हमारे स्नेह सिंह के जो शॉट्स है बिल्कुल भी कनेक्ट होते अभी तक के लिए देखने को नहीं मिले सेकंड जो शकिन हो चुका स्टार्ट बात करें पीछे रेत के पे तो रेत के लिए रेंज में आते दिखने रेंज में आते हुए हमारे जो कि कंपाउंड एक अच्छा सा होल्ड करके बैठे किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हमारे रेत के प्लेयर को पीछे से बात करें हमारे क्वेरी की ड्रॉप लोकेशन वाली जो लोकेशन की बात करें तो क्वेरी में पीछे से कोई भी देखने को नहीं मिल रहा अभी तक बात करें हमारे आशीष भैया के ऊपर क्योंकि आशीष भैया ने भी एक किल सिक्योर करा था थोड़ी देर पहले करा था लेकिन जहां पर आप हो वहां पर आप और किल अपने खाते में बटोर नहीं पाओगे लेकिन बूटचम के अंदर हमारे जो कि BTL की स्क्वाड भी होल्ड कर तो देखने को मिल रही है BTL के जोकर की बात करें AWM पर यहाँ पर ला चुके हैं बात करें हमारे ड्रॉप मंगा चुका है अपना जो कि ड्रॉप यहाँ पर मंगवा चुका है अपने जिसे कहते हैं हमारे क्या प्राइवेट ड्रॉप जो कि फ्लेयर गन की हमारी जो ड्रॉप आती है स्पाइक प्लेयर को चलता है क्योंकि हमारे कॉन्ट्रा भैया को कर देंगे नॉकआउट एंड कॉन्ट्रा भैया को बचाना इज वेरी अनसक्सेसफुल थिंग क्योंकि यहाँ पर 2 प्लेयर को क्लोजिंग कर चुके क्लोजिंग करने बाद उन्हें पता लग चुका ओमेगा भैया को दिया जाएगा रिवाइव लेकिन कॉन्ट्रा भैया को मेरे को नहीं लगता आप रिवाइव बात करें हमारे स्नेह सिंह की तो स्नेह सिंह यहाँ पर स्पॉट देने का ट्राई कर सकते हैं शॉट देने का ट्राई करने अभी देखिए स्पॉट करने का ट्राई करें मोहिका के ऊपर जा रहा है क्रॉस बात करें हमारे रेक्सी भैया के ऊपर रेड डॉट लेके बैठे रावण ओपी की बात करें रावण ओपी लेफ्ट चैनल का ट्राई करें किल करना चाहेंगे सिक्योर एंड ऑन द स्पॉट कर लेंगे किलो सिक्योर रावत जी की बात करें तो रावत जी M4 स्प्रे देने का ट्राई करते हैं मेरे भाई जोन के अंदर जाना चाहिए सेकंड जोन अवश्य होना हो चुका है स्टार्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट कुछ ही देर के अंदर थर्ड जोन यहाँ पर बनता हुआ देखिए राइट से आने का ट्राई करेंगे हमारे जो कि फ्लैंक के अंदर डालने का ट्राई करें पत्थर का कवर लेके बैठे हमारे जो कि स्नेह सिंह पीछे से बात करें हमारे आउटलाइन के किंग वो भी खतरनाक खेलते हैं आप देख सकते हैं राइट से फ्लैंक एंगल मारा बहुत प्यारा फ्लैंक एंगल मारा मेरे भाई अगर राइट से आप थोड़ा सा और जाते हो और आप कर लोगे प्रे को स्पॉट और शायद एक स्प्रे में दोनों को कर सकते हो पूरी तरीके से एलिमेंट लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो आप फ्लैंक एंगल मार रहे हो वो भी क्लियर सक्सेसफुल हो चुका है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिज के अंदर बैठे अगर आप आओगे तो आपको काफ़ी हाइट के ऊपर आना पड़ेगा और जो आप एक फ्लैंक एंगल मार रहे हो एक सक्सेसफुल फ्लैंक एंगल आपके लिए हो सकता है। बात करें हमारे प्लेयर्स की तो प्लेयर यहाँ पर फ्लैंक एंगल ना क्या चुका लेकिन होल्ड करता हो देखिए रैंडम नेट खींचा जा सकता है हमारे स्नेसिंग की तरफ से रैंडम नेट तो करोगे मेरे लेकिन आपका नेट वो कनेक्ट नहीं हुआ। बात करें हमारे वोल्ट के पे की तो वोल्ट के पे पर अपने 4 किल खाते में डाल चुके लेकिन एक अपना जो कि फ्लैंकर यहाँ पर गवा बैठे जो कि हमारे BE की स्क्वाड में गेंद से खतरनाक खेलते देखे थे हमारे BE के लॉन्डे यहाँ पे। बात कर लेते हमारे किंग्स के प्लेयर की तो किंग्स के प्लेयर की बात करें अभी तक स्पॉट करते हुए दिख रहे हैं स्काउट करते हुए जोन की तरफ को ज्यादा देखने को मिलेगी थर्ड जोन पर बन चुके 40 सेकंड के अंदर शिक्की ने 350 मीटर जाना है मेरे भाई आपको जोन के अंदर बैरल विद M4 ज्यादा देखते हुए मिलेंगे हमारे फ्रॉस्ट से भैया बाकी लोगों की बात करें कर्मा के ऊपर चलते कर्मा की क्या रहती सिचुएशन अभी देख ले ओके तो कर्मा के मार्केस की बात कर तो कर्मा के मार्केस ने मंगवा लिया पर BRDM जो जिसमें कोकुम्स कहता है चलता फिरता कंपाउंड रेट चलता फिरता घर आपके पास है कहीं भी आप कवर बना सकते हो कहीं भी आप उसका कवर ले सकते हो। एंड बात करें हमारे प्लेयर्स के तो 3 किल अपने खाते में भी डाल चुके पीछे से ANH के लियो आने का ट्राई करें काफी तेजी के अंदर आना चाह रहे मेरे भाई काफी गलत हो सकता है देखते पड़ा हमारे ड्रॉप के अंदर क्या होके तो MK14 विद Level 3 गियर्स देखने को मिल सकते हैं। बात करें हमारे फ्लिक के भैया की तो फ्लिक के जो हमारे भैया हमारे स्पॉट अभी तक आपको नहीं कर पाएंगे स्पॉट जो आपको कर सकते हैं हमारे मार्केस है लेकिन शायद मार्केस को अभी तक नहीं पता लगा है कि काफी क्लोज इन आपके कंपाउंड के ऊपर हो चुके हैं एंड ऑलमोस्ट अब ड्रॉप हंट हो भी चुका हमारे लियो की तरफ से तो क्लोजिंग करना चाह रहे लियो
बात करें मार्केस की, एग्जैक्टली मार्केस को पता लग चुका है क्योंकि उन्हें फुटप्रिंट के बाद अभी तक के लिए आ चुके हैं, शॉर्ट आ चुके हैं। लेकिन और पीछे बात करें हमारे जैपियो की, तो जैपियो भी शॉर्ट हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर किंग्स के किंग्स सॉरी हमारे कर्मा के मार्केस ने कर दिया राजेश भैया को नॉकआउट और ऑलमोस्ट किल कर लिया जाएगा सिक्योर, क्योंकि ऑलमोस्ट आप 10 HP पे सर्वाइव कर तो देखने को मिल रहे हो। तो मुझे नहीं लगता आपको रिवाइवल देने देगा आपका कोई भी प्लेयर, अगर आप ओपन जाने का ट्राई करोगे शॉट देने को दिखते तो 1 HP सर्वाइव करेंगे, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा नैनो सेकंड लेट हो गए। बात करें हमारे मार्केस की, मेरे भाई मार्केस आपको इग्नेट करना चाहिए क्योंकि आपको पता लगेगा एक शैक के पीछे वहाँ बंदा गया था, अगर आप इग्नेट करते तो पूरी पूरी स्क्वाड को कर सकते हो वाइपर पूरे तरीके से, एक तरीके से, क्योंकि लास्ट में स्टैंडिंग फिल ली हो जाएगा। बात करें हमारे जो की है मासिक की, मासिक इग्नेट करना चाह रहे काफी खतरनाक नेट हो सकता है, पर प्यारा नेट किया हमारे लियो कर दिया गया नॉकआउट, खतरनाक नेट बोलते मेरे भाई, चुम्मा नेट बोलते इसे, एकदम लियो के मुंह पे फुल कुक नेट मारा और आपको कर दिया नॉकआउट। वहाँ पर स्प्रे आएगा हमारे मार्केस का जो कि मार्केस क्लोजिंग कर चुके, पूरी की पूरी ट्रायो हमारे क्लोजिंग कर चुका, लास्ट बच्चे जो कि आपको भी कर दिया जाएगा इस मैच के अंदर से लिमिट हमारे टीम नंबर 6 के द्वारा 7 किल अपने खाते में डाल चुका। पीछे थर्ड पार्टी का तो देखने को मिलते हमारे जैपी ओपी क्योंकि पता लग चुका है ट्राई करेंगे, काफी डाउन करेंगे मार्केस को, ऑलमोस्ट 50 HP वार्ड डाउन करते हुए शॉट देना चाहेंगे हमारे पेयर के ऊपर, रैंडम शॉट दिया जा रहा है लेकिन मेरे काफी अच्छे कंपाउंड के अंदर है। अगर आप ओपन जाने का ट्राई करोगे तो आपके लिए काफी गलत हो सकता है अभी तक के लिए, क्योंकि जो हमारे माजिद ओपी जो कि सॉरी गाइस क्या हो गया भाई एकदम माजिद ओपी की बात करते हैं, भाई साहब बैन लॉन्डे की किस्मत गजब थी, तो थोड़ा सा आपको रेजेक्ट कवर मिल गया और पेड़ का, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि आप हमारे माजिद ओपी की स्प्रे से वहाँ पर पूरी तरीके से बच सकते थे। पीछे से बात करते हैं हमारे किंग्स के प्लेयर आते देखेंगे रेंज के अंदर, किंग्स के प्लेयर को पता लग चुका है एग्जैक्टली क्योंकि गन शॉट्स की आवाज़ आपको यहाँ तक आ गई होगी, थर्ड जोन यहाँ पर कभी भी बन सकता क्या मेरे भाई, श्रिंक स्टार्ट हो चुका तो मेरे भाई फोर्थ जोन यहाँ पर कभी बन सकता अभी तक के लिए। बात करें फोर्थ जोन यहाँ पर बन चुका 50 सेकंड के अंदर, अगला जोन भी यहाँ पर आ जाएगा 12 टीम देखने को मिलेगा। रेक्सी भैया पर चलते तो रेक्सी भैया ने रेड केक प्लेयर को कर दिया बबल्स को हमारे नॉकआउट लास्ट में स्टैंड, जो कि सेकंड है क्या सेकंड यहाँ पर कुछ कर पाएंगे, क्योंकि सेकंड ने अपने प्लेयर को दिया डिसीजन रिवाइवल करने का, काफी अच्छा डिसीजन हो सकता है अभी तक के लिए। ओके तो फ्लेयर कर मंगवाइए, किसकी तरफ से मंगाइए मेरे भाई, शायद हमारे जो कि है WOG के प्लेयर्स नहीं मंगवाइए, लेकिन मेरे भाई कैमरा ओपन जा रहा है क्या ही भाई बक्सो दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, चलते हमारे रेक्सी भैया के ऊपर, रेक्सी भैया की साइड से पता शायद लग जाएगी अभी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं थोड़े दिन के अंदर पता लग जाएगा किसने मंगाइया फ्लेयर गन या फिर कौन कहाँ पर फाइट देता हो देखने को। बात करें ओमेगा की, तो ओमेगा यहाँ पर शॉट देना चाहते हैं हमारी, पीछे से शॉट आते देखेंगे जो कि प्लेयर के द्वारा अच्छा होकर रावण ओपी ही होल्ड करते देखने को मिलता है। एसगार्ड थॉर के बाद लास्ट स्टैंडिंग, एसगार्ड थॉर यहाँ पर स्नेक बनाए, लेकिन मेरे भाई अगर आपको किसी ने स्पॉट किया तो आपके लिए हो सकता है काफी गलत अभी तक के लिए। पटाख से पड़ते हमारे चैट क्योंकि अपने लॉन्डे चैट में भी आ चुके हैं, तो काफी मिस हो गया यहाँ पर चैट अभी तक के लिए। वोडका खतरनाक खेलता था मेरे भाई, लेकिन गलत सिचुएशन में हमारी वोडका की स्क्वाड काफी स्टार्टिंग में एलिमिनेट हो गई, देख नहीं रहा हूँ ब्रो वोडका दिखा 1990। ओके तो वी के पेयर की बात करें क्लोजिंग नंबर 18 के ऊपर काफी डाउन कर चुके आपको ऑलमोस्ट मेरे भाई, वहाँ पर होल्ड करते हमारे BTL के प्लेयर की बात करें तो BTL के प्लेयर क्लोजिंग करना चाह रहे हैं काफी ओपन चाहेंगे डैमेज देना चाहेंगे, लेकिन शायद आप थोड़ा सा होल्ड करके देखने को मिलेगा। लेजेंड की बात करें लेजेंड काफी ओपन में जाना चाह रहे हैं, लेजेंड मेरे भाई आप घर से नहीं जा सकते, लेकिन आप हमारे मेरे हिसाब से टांगों को TP भी लेना चाहिए था, गेट पर क्लोजिंग ना किया जाए ताकि कंपाउंड की तरफ को हमारे कंपाउंड पे कर लिया गया पूरा क्लोजिंग। यहाँ पे डांटे भैया की बात करें तो डांटे भैया का जाता है वहाँ पर नेड एक और नेड हमारे ओके तो स्मोक किया गया हमारे टांगों के ऊपर पास हमारे रिवाइवल दे दिया गया हमारे अभी तक के लिए। ईऑन के पेयर की बात करें तो राइट से जाना चाह रहे लेफ्ट से जाना पड़ रहा है डांटे भैया आप शॉट दे सकते क्लोजिंग कर सकते हैं रैंडम नेट किया जा रहा हमारे डांटे भैया के द्वारा खतरनाक नेट होता है मेरे भाई ये वाला, अगर डांटे भैया का नेट जाता है लेफ्ट वाली विंडो के ऊपर ओके तो राइट में एक रैंडम नेट करता स्मोक करता ओके खतरनाक नेट बोलते डांटे भैया ने रैंडम नेट किया जिसमें हमारे फाल्कन भैया आ गए हो गए उसका पूरी तरीके से शिकार। पीछे बात करें हमारे टैंगो की तो टैंगो यहाँ पर होल्ड करने जाएंगे टैंगो मेरे भाई आपको डीवी लेना चाहिए पीछे से क्लोज करना पड़ेगा पेयर एक्जैक्टली मेरे भाई राइट से हमारे टैंगो भैया लेकिन टैंगो भैया को भी नॉक कर दिया हमारे लास्ट कर दिया जाएगा भाई पड़े स्मार्ट लेकिन पीछे थर्ड पार्टी देखने को मिले हमारे वोल्ट के स्क्वाड है वोल्ट के स्क्वाड वहाँ पर डांटे का कर लेंगे पूरे का पूरा किल सिक्योर ऑन द स्पॉट 2 मिनट चार निकल बचे हमारे लेजेंड और जो कि यौन है क्योंकि आपका जोकर आप पहले काफी गवा चुके थे अभी देख लिया थर्ड पार्टी होने को देखने को मिल सकते हमारे वोल्ट के प्लेयर के द्वारा वोल्ट के प्लेयर ने मेरे भाई शायद आप लोगों ने तो किल फिट पड़ ली होगी कि एक स्क्वाड यहाँ पर एलिमिनेट हो चुकी है जोकर को कर दिया गया था एलिमिनेट और आपने कर दिया एलिमिनेट तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर 2 ही प्लेयर देखने को मिल सकते हैं। बात करें हमारे प्लेयर ईऑन की तो ईऑन यहाँ पर काफी अच्छा DPU देखने को ट्राई कर सकते हैं हमारा सक्सेसफुल DPU हो सकता है क्योंकि अगर प्लेयर ओपन में आने का ट्राई की तो काफी गलत होते हैं रैंडम मीट करना चाहेंगे हमारे ईऑन अभी देखते हैं क्या आप इसका रैंडम मीट लगेगा लेकिन ओपन में शॉट आने हमारे रॉकेट भैया रॉकी भैया को कर दिया गया नॉकआउट एक्जैक्टली खतरनाक नॉक दिया और प्लेयर आना चाहेंगे हमारे स्पैक ओपन में किल करना चाहते हैं लेकिन मेरे भाई किल के बजाय आपको शायद वहाँ पर प्लेयर को होल्ड करवाना चाहिए था जो कि प्लेयर काफी एग्रेशन के साथ क्लोजिंग करना था आपको उसको करना चाहिए अभी तक के लिए नॉक जिसका फायदा होता है हमारे स्पार्क के प्लेयर ने स्पार्क का प्लेयर कर चुका है आपके ऊपर क्लोजिंग वहाँ पर पीछे बाकी प्लेयर भी आते देखेंगे कवर फाइव के लिए एक्जैक्टली मेरे भाई आपके
फाइनल लेजेंड ऑलमोस्ट वहाँ पर 58 पे सर्वाइव करते हुए मिलेंगे। बात करें हमारे 20 की तो 20 की होल्ड करते देखने को मिल रहा है। अभी देखिए 20 शॉट देखते हैं वहाँ पर द्वारा 20 लास्ट में सैनिक लेकिन भाई 20 को कर दिया जाएगा। अब 20 के द्वारा कर दिया जाएगा ओके लेजेंड को लास्ट में स्टार्टिंग एलिमेंट इस मैच के अंदर से। हमारे वोल्ट की जो स्क्वाड थी काफी आराम से आके आपको इस कंपाउंड को जो कि होल्ड करके बैठे होते आपको करेगी इस मैच से वाइप आउट मेरे भाई। शायद आपको अकेला सिक्योर करके आपको वहाँ पर प्लेयर्स को होल्ड कराना चाहिए। बात करें जोन की तो फिर जना प्रश्न की होना जाएगा 10 सेकंड के अंदर क्लोज के इंतजार करना जोन के अंदर सभी प्लेयर्स को। एसगार्ड टॉर की बात करें तो एसगार्ड टॉर के आगे ही प्लेयर होल्ड करता दिख रहा है हमारे जो कि म्योंग है। म्योंग मेरे भाई राइट पे देखो भाई क्या ही सो पेरे बने भाई, दो जगह पे दो सांप है, एक ही जगह पे दो सांप है। वहाँ पर शॉट देते दिख रहे हमारे म्योंग वहाँ पर एसगार्ड टॉर को कर दिया जाएगा हमारे टी क्यू के यूनिक के द्वारा स्पॉटर आपको कर दिया जाएगा इस मैच के अंदर। सेलिब्रेट मेरे भाई एसगार्ड टॉर थोड़ा सा शायद आप गलत हो गए लेकिन मेरे को लगता है आपको रिवेल देने का फायदा होगा इनके हमारे मिश को क्योंकि जोन के अंदर आपको जाना और ये जोन बहुत काटने वाला है। तो ये आप इसके चक्कर में आप भी अब एग्जैक्टली मारक जाओगे और आप भी जाओगे इस मैच के अंदर से। गलत वाइप आउट, गलत टाइम पे गलत डिसीजन बोलते हैं इसे हमारे, गलत काफी डिसीजन लेते। देखिए हमारे म्योंग भाई काफी तेज निकले, म्योंग ने डिसीजन लिया अपने जोन को जाने का काफी अच्छा डिसीजन अभी देख ले हो सकता है। आठ टीम देखने को मिल रही है। बात करें हमारे एफ ओ पी के ओमेगा यहाँ पर किंग एक नॉक हो चुके कर्मा के प्लेयर की बात करें कर्मा के प्लेयर वहाँ पर रिवल देना चाहेंगे क्योंकि हमारे मार्केट वहाँ पर होल्ड करते देख रहे अभी देख ले। शेक के अंदर जोन के अंदर आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली। म्योंग को भी कर दिया जाएगा हमारे प्लेयर के द्वारा वाइप आउट हमारे रावन ओपी के द्वारा अभी देख ले। चलते पटाख से हमारे कोपियो के ऊपर, कोपियो पहला प्लास में चढ़ने मेरे भाई आपको जाना जोन के अंदर पीछे क्लोजिंग में हमारे फ्रॉस्टर अपर बचे फ्रॉस्टर अपर होल्ड करने का ट्राई करेंगे। जेनिथ के प्लेयर जो कि आ चुके पीछे हमारे वो की बात करते होल्ड करना चाहेंगे पीछे हमारे कॉपियो, कॉपियो को बाद आ चुके मेरे भाई शायद कॉपियो भी वापस स्पॉट कर चुके एक्जैक्टली। कॉपियो ने कर लिया कि किल सिक्योर पूरे तरीके से अभी देख लिया क्या हमारे कर दिया गया हमारे एफ बू के द्वारा और आपको भी कर दिया गया हमारे फ्रॉस्टर का एलिमेंट लास्ट में स्टैंडिंग बचे हमारे शैक के अंदर किंग पेन होल्ड करते देख रहे हमारे कॉपियो की बात करते तो कॉपियो को पता लग चुका है शैक के अंदर बंदा मेरे भाई। अगर किंग पेन ने आपको स्पॉट किया तो आपके लिए काफी गलत हो सकता है अभी तक के लिए। बात करें हमारे रावण ओपी को भी कर दिया जाएगा एलिमेंट इस मैच के अंदर। आप बुक कर देगा नॉकआउट किल्स करना चाहेंगे सिक्योर हमारे लास्ट में स्टैंडिंग अभी तक के लिए। एस बचते देखने को मिल रहे एस की हो चुकी है गलत सिचुएशन। कॉपी की बात करें कॉपी वहाँ पर हील बैटर करने का ट्राई कर रहे हैं। 3 वर्स्टेड आपके पास हैं जो हमारे सामने प्लेयर स्टैंडिंग होल्ड थे शाक के अंदर भी होते हैं इस मैच के अंदर से पूरी तरीके से एलिमेंट। बात करें हमारे जो कि एस के बल्कि एस यहाँ पर होल्ड करने का ट्राई करें पीछे। बात करें हमारे रिवल देने का ट्राई करें हमारे स्पार्क जो कि अपने 20 लास्ट में स्टैंडिंग को छठा सोना पर 2 सेकंड के अंदर हो जाएगा। श्विंकी होना स्टार्ट जो कि मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर हो चुका है एक्जैक्टली हो चुका है। देखते हैं पटाख से क्या रहती है सिचुएशन हमारे कर्मा के प्लेयर की। तो कर्मा के प्लेयर वहाँ पर कंपाउंड होल्ड करके बैठे लेकिन पीछे से हमारे टीएक्सजी के जो बैन है वहाँ पर बैन काफी एग्रेशन के साथ क्लोजिंग करते देखने को मिल रहे हैं। हमारे वोल्ट जिनको रिवेल दिया गया था जोन से जाएंगे दोबारा से नॉकआउट यहाँ पर स्पार्क बचते लास्ट में स्टैंडिंग। स्पार्क वर्सेज हमारे जो कि एस वर्सेज हमारे कॉपी हो 1v1v1 की सिचुएशन यहाँ पर रहती है। एस ने स्पॉट कर लिया भाई थोड़ा सा लेट हो गया यहाँ पर स्पॉट देने में जिसका फायदा उठा लिया हमारे लॉन्डन हमारे एस ने स्पार्क को कर दो किया लेकिन मेरे भाई एस को कर दिया हमारे कॉपी ने इस मैच के अंदर से एलिमेंट। तो मतलब एक छोटी सी विक्ट्री में हमारे 1v1v1 में यहाँ पर कॉपी ने उठाया फायदा हमारे बिना पोजीशन दिए अपने खाते में ले लिया किल। बात करें हमारे प्लेयर की वहां पर तो एक और किल कर लिया जाएगा सिक्योर। 3 टीम देखने को मिल सकती है हमारे कॉपी बात करें कॉपी वापस मौक पा देना चालू कर दे मेरे भाई जोन के अंदर आप जा चुके लेकिन अगर आपको फ्लिक करता स्पॉट कर देगा लेकिन फ्लिक अभी देख के लिए आपको स्पॉट नहीं कर पाएगा लेकिन आपको शॉर्ट आते लेकिन काफी खतरनाक शॉट हमारे होगी। टीएक्सजी ऑनिक्स के द्वारा आएंगे ऑनिक्स वहां पर ऑलमोस्ट टाइम सर्वाइव करते देखने को मिलेंगे जोन के अंदर आ चुके काफी डैमेज दिया गया हमारे ऑनिक्स ऑलमोस्ट 20 HP पे सर्वाइव करते हुए देखने को मिल रहा है। अब स्पॉट करने हमारे कॉपी होगा लेकिन कॉपी हो जाएंगे जोन से वाइप आउट इस मैच के अंदर पूरे तरीके से। तो बात करें 2 टीम देखने को मिल सकती है टीम नंबर 13 वैसे टीम नंबर 6 3v2 की रहती है सिचुएशन। जोन के एडवांटेज की बात करें तो कर्मा भैया के पास जो कि हमारे कर्मा के स्क्वाड है के पास हमारा मेन एडवांटेज जोन एडवांटेज आपके पास BRDMB है तो शायद आप उस BRDMB को काफी अच्छा फायदा उठा सकते हो। काफी ओपन से आना हमारे जो कि बेन को एंडोनिक्स को क्या प्लेयर हमारे अभी तक के लिए आने देंगे या नहीं आने देंगे थोड़ी देर के अंदर लग जाएगा अभी क्योंकि क्लोजिंग आ चुका जोन और 7 जोन 20 सेकंड के अंदर आ जाएगा। देखते हैं क्या यहाँ पर प्लेयर होल्ड कर पाएंगे या फिर दे बैठेंगे अपना चिकन डिनर हमारे TXC के प्लेयर। कर्मा की बात करें तो कर्मा वहाँ पर क्लोज इन कर चुके हैं काफी लेकिन जोन के अंदर मेरे भाई आपको भी जाना है आपको कंपाउंड जोन के अंदर काफी अच्छा डिसीजन वहाँ पर BRDMB ने को जाने का काफी फायदा उठा सकते हैं आप इस BRDMB का। लास्ट जोन में आप रोटेशन डाल तो देखेंगे इस BRDMB को लेकर काफी अच्छा डिसीजन वापस स्पॉट कर देंगे हमारे मालिक को BRDMB पे शॉट दे देंगे लेकिन मेरे भाई आप इस BRDMB को शॉट देंगे उसने कर नहीं सकते। बात करें हमारे माजी को भी तो जोन आ चुका है लेकिन वहाँ पर होने शुरू कर दिया जाएगा ना लास्ट में स्टैंडिंग बचे हमारे प्लेयर जो कि प्लेयर को कर चुके हैं हमारे लास्ट प्लेयर को भी कर दिया जाएगा इस मैच के अंदर से। BRDMB का काफी अच्छा फायदा उठाते देखिए हमारे कर्मा के प्लेयर जैसे बोला आप काफी अच्छा फायदा उठा सकते हैं लेके जाते हैं इस फर्स्ट क्लास के सामने का चिकन डिनर हमारे 10 किल 11 किल के साथ लेते हैं हमारे कर्मा के स्क्वाड है। अब चिकन डिनर TXG की प्लेयर लेते हैं 4
किल के साथ जो कि सेकंड रैंक पे पोजीशन अप लेते हैं, NER के प्लेयर है हमारे, बात करें हमारे कोपियू भैया की तो कोपियू भैया को कैसे भूल सकते हैं मेरे भाई, सोलो में स्टैंडिंग थर्ड रैंक तक ले आया, प्यारा 1v4 निकाला, टोटल 6 किल अपने खाते में डाल चुका। बात करें हमारे रश के प्लेयर की तो रश के प्लेयर यहाँ पर आते हैं फोर्थ रैंक के ऊपर 3 किल के साथ, फिफ्थ पे आते हैं हमारे वोल्ट के प्लेयर, सिक्स पे आते हैं हमारे WOG, सेवन पे आते हमारे किंग्स, एट पे आते हमारे TQ, नाइन पे आते हमारे A10, टेन पे आते रेड, इलेवन पे आते BTL, ट्वेल्थ पे आते VE, थर्टीन पे आते ANS, फोर्टीन पे आते स्नेसिंग, फिफ्टीन पे आते GIG, सिक्सटीन पे आते हमारे BE का स्क्वाड, एंड 17 पे आता हमारा HB। तो ये थी मेरे भाई इस मैच की सारी की सारी रैंकिंग, पहला मैच का हमारे ग्रुप जेड का जो चिकन डिनर निकाला हमारे खतरनाक तरीके से कर्मा की स्क्वाड ने 11 किल के साथ निकाला। हम बात करें हमारे सेकंड मैच, तो सेकंड मैच हमारा ऑलमोस्ट 6 बजे तो हमारे पास है 29 मिनट, तो बात करते हैं फटाफट पहले अपनी चैट का रिप्लाई दे देते हैं मेरे भाई, थोड़ा सा लेट हो गया गेम प्ले के चक्कर में भी, वहाँ पर गन फाइट जैसे आता था मैं चैट पे, वहाँ पर हमारे लॉन्डे भसड़ मचाना चालू हो गया, फटाके जाना पड़ता था अभी तक प्ले टीम एच गेम्स को फैक्टर करो लोडर वगैरह, कोई चिल मारो मेरे जान, कोई दिक्कत नहीं जो है गेमिंग वेल्यूबल्यूशन मेरे भाई, वर्ल्ड को दिखा वर्ल्ड को एक्जैक्टली मेरे भाई, जब आपने देखा था तो मैंने पॉपअप विंडो में वहाँ पर दिखा दिया था प्लेयर को वोट की जो वहाँ पर पुश कर सकते थे। एंड्रॉइड गेमर वेलकम टू यूशन मेरे भाई, मीटिंग बिटवीन क्राफ्टन एंड गवर्नमेंट इज ओवर, गवर्नमेंट हैज रिफ्यूज टू अनबैन पबजी मोबाइल इंडिया। मेरे भाई एग्जैक्टली मैंने न्यूज़ पढ़ी नहीं है अभी कि क्या आई है और क्या नहीं आई है, तो मैं इसे अपनी साइड से कंफर्म कर नहीं सकता कि अपना मतलब किसी भी तरीके कमिटमेंट या बात में नहीं कर सकता इस चीज़ से रिलेटेड मेरे भाई, क्योंकि मैं अभी घर से बाहर गया होता, घर से बाहर आया हूँ ऑलरेडी, मैं थोड़ा सा टायर्ड हुआ एंड ऊपर से क्या कहते हैं हमारे जो जितना भी न्यूज़ एंड ऑल है मैंने अभी तक ध्यान नहीं दिया, तो मैं कास्टिंग के बाद मोसोली देखेगा सारा देखेगा, उसके बाद मेरे भाई आप लोगों को बता देगा जैसे भी होगा जितना मेरे को अपने पॉइंट ऑफ व्यू में सामने देखने को मिलेगा। तो बात करें हमारे अगले मैच की, तो भाई लोगों तो अगला मैच हमारा ऑलमोस्ट मोसोली 6 बजे, तो हमारे पास 28 मिनट, तो फटाक से आते हैं मेरे भाई 2 से 5 मिनट का ब्रेक लेके लेकर था वाटर बॉटल ब्रेक लेके आते, उसके बाद मिलते आप लोगों से बातचीत करते हैं, हमने केले भी चल के कहा था गन गेम एंड ऑल, उसके बाद चलेंगे अपने नेक्स्ट रूम के।
सो गाइस वी आर बैक। अपन लोग आ चुके चल के खेलते गए था अपना गन गेम एंड और उसके बाद चलेंगे अपने रूम के अंदर जो हमारा सिक्स पीएम वाला है कल भी आने वाला अपना आईडी पासवर्ड टॉक्सिक मार्कस। वेलकम टू द स्ट्रीम मेरे भाई। कतर ना खेलता मेरा भाई मार्कस अपनी टीम के अंदर से जो कि हमारे कर्मा की दोस्त को मार्कस की बात करें तो क्या ही खतरनाक प्रदर्शन दिखाया हमारे क्या कहते हैं कर्मा भाई की टीम में। कतर ना खेलते मेरे भाई देखते अपने सेकेंड और थर्ड मैच के अंदर कैसे खेलते देखने को सकते हमारे कर्मा की स्क्वाड अभी तक खेले चलते फटाक खेलते खाता गन गेम उसके बाद चलेंगे अपना आईडी पासवर्ड लेकर अपने नेक्स्ट रूम के अंदर। Team match, let's go. First point for the red team. No mercy. Reloading. अरे यार मुझे लग रहा था वो मारेगा। भाई क्या ही आगा अरे यार हट बे भाई गंदा हगा भाई चल बे क्रॉसर इनको देखते हैं
The red team is about to win. Target down. The match is over, and the red team is in the lead. Reloading. Killing spree for the blue team. अरे तेरी अम्मा की अरे यार हट बे तेरी रेड टीम विक्ट्री यार कॉल की मार की भाई तो गाइस वी आर बैक अपन लोग आ चुके हैं हम अपने सेकंड रूम के हमारे अंदर जो कि हमारे PUBG वर्ल्ड टेपरा सीरीज का क्वार्टर फाइनल से जिसका हमारे ग्रुप जेड का सेकंड मैच हमारे अंदर हमारे के अंदर बात करें हमारे रूम के स्पेसिफिकेशन की तो 1.2 का जोन सरिंग के साथ फुल 3x लूट देखने को हमें मिल सके तो मतलब लूट की कमी किसी तरीके नहीं होने वाली पटाखे चल गए अपने स्लॉट पे क्योंकि हमारे पास अभी अराउंड 10-11 मिनट तो हमारे साथ एक प्लेयर लॉबी में जुट चुके क्योंकि हमारे ANH के रजनीश भैया तो बाकी प्लेस भी आते हो देखने को जुड़ेंगे थोड़ी देर के अंदर तो वेट करते अपने भाई लोगों पर चलेंगे फिर मैच के अंदर लॉबी फुल होने के बाद
सॉरी गाइस वी आर बैक, थोड़ा सा लेट हो चुके क्योंकि एक अर्जेंट कॉल आ गई थी मेरे डैड की, तो मेरे को जरूरत था थोड़ा सा उसको पिक करना। तो बात करें हमारे बाकी प्लेन पाथ की, तो हमारा सेकंड मैच था, मेरा मार्ग हो चुका है। स्टार्ट करते प्लेन पाथ की बात, तुम्हारे मेनाज दे वेले की तरफ से स्टार्ट होता हूँ, चुमा सॉरी के द्वारा होता हूँ, हमारे मेनाज ग्रेनलेस की तरफ से निकलता हूँ, हमारा टियारा ब्राउन का पिजा कर खत्म होगा। टीम सारी अपनी ड्रॉप लोकेशन फुलफिल कर सकती है, आराम से पहुंच सकती है अपनी ड्रॉप लोकेशन पर, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत उनके होने वाली है जिनकी ड्रॉप लोकेशन हो सकती है हमारे एल्पोजो ग्रेटर फीडियल लाख वगैरह की साइड की तरफ, क्योंकि वहाँ तीन चार ड्रॉप लोकेशन में जाने के लिए आपको थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बात करें हमारे रश के पेर की, तो रश के पेर हमारे वेले डेमार की तरफ को जा रहे हैं। एएनएच के पेर की बात करें तो जो हमें लाडरेला की तरफ को जाते देखने को मिल रहे, जीआईजी के पेर हमें लाडरेला जाते देखने को मिल रहे, बीटीएल के जो हमारे पेर है चुम्मा सेरे की तरफ को जा रहे हैं। बाकी बात करें हमारे किंग्स के पेर की, तो पिकाडो के साइड जो कंपाउंड लूटने देखने को मिल सकते हैं। लॉस लियोंस अभी तक के लिए खाली देखने को मिल रहा है। पिकाडो पे हमारे दो स्क्वाड है, हमारी बात करें हमारे कर्मा भाई की जो स्क्वाड है जो पिछली बार के मैच में लेके गई थी हमारे चिकन डिनर, एंड बात करें एक और स्क्वाड देखने को मिल रही है विच इज आर ओके, तो वोल्ट के प्लेयर भी हमारे जो कि है चुम्मा सेरा की अपने पिकाडो की तरफ को जा रहे हैं। बात करें हमारे वीई के प्लेयर की, और वी के पास से एक और स्क्वाड देखने को मिल रही है जो कि हमारे एचबी की स्क्वाड है जो इम्पाला की तरफ को जा रही है, हमारे लॉर्ड के प्लेयर भी जो कि सिरिल है हमारे इम्पाला की तरफ को जाते हुए देखने को मिल रहा है। बाकी प्लेयर्स की बात करें सैन मार्टिन पे कौन जा रही है, तो आउटलाइन की किंग जो हमारे सैन मार्टिन की तरफ को जाते हुए देखने को मिल रहा है। स्पाई के प्लेयर्स की बात करें मिनास ग्रेनलेस की तरफ को गए अभी तक लिए राज की हमारे प्लेयर ने। बाकी बात करें हमारे टीक्यू की, जो यूनिक है हमारे जंकयार्ड के साइड वाले जो कि वेयरहाउस होते हैं सोलोमन स्टैंडिंग यहाँ पर लूटते हुए देखने को मिल सकते हैं। एलेजर की बात करें तो बी की स्क्वाड हमारे एलेजर गई है, हमारे एनईआर की जो स्क्वाड है एलेजर देखने को मिल सकती है, हमारे आसियान डेल पेट्रॉन के साइड वाले कंपाउंड पे ए टेन के प्लेयर जो कि गए हमारे क्रूज वेले पे स्प्लिट लूटते हुए देखने को मिलेंगे। बात करें हमारे टी एक्सी के प्लेयर की, जो कि टोरे अहुमाडा जाते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं अभी तक के लिए। बाकी बात करें पटाखे कौन सी टीम पे देखने को मिल सकती है अर्ली फाइट अभी तक के लिए, मस्टैंग शायद काफी ज्यादा क्लोज इन हो चुके हैं हमारे प्लेयर से जो कि सामने वाले कंपाउंड पे प्लेयर होल्ड करते हुए देख रहे हैं, अभी तक के लिए काफी गलत सिचुएशन हो सकती है हमारे प्लेयर के लिए, लेकिन अभी तक के लिए एक अच्छी सी चर्च होल्ड करता हुआ देखिए। पीछे बात करें हमारे जीआईजी के प्लेयर की, तो जीआईजी के प्लेयर हो चुके हैं क्लोज इन, पर एक्जैक्टली हमारे मस्टैंग को पता लग चुका है, एंड जीआईजी के प्लेयर को पता था एक प्लेयर यहाँ पर उतरा तो उनको गन्स लेकर ऑक्यूपाई करना चाहेंगे, किल करना चाहेंगे, सिक्योर वन बी फोर भी हो चुके अभी सिचुएशन हमारे देंगे ड्रॉप शॉट और आपको कर देंगे इस मैच के अंदर से एलिमिनेट ऑन द स्पॉट पूरे तरीके से। एक प्लेयर को कर दिया था नॉकआउट, वैसे शायद आपने एक प्लेयर लेके आप स्प्रे देना चालू करें अगर थोड़ा सा सेफ रह करते तो पीछे से आपको कवर फायर देखने को मिल सकता था। हमारे भैया के द्वारा निशु भैया ने कर दिया दो प्लेयर को नॉकआउट, यहाँ पर लास्ट में स्टैंडिंग बचते हमारे ड्रेडा ड्रीडा की बात करते हैं, पर वी एस एस चलाते देखने को मिलेंगे। वी एस एस जो है थोड़ी सी मिस वापस ऑलमोस्ट 60 एचपी पे सर्वाइव करते देखेंगे अभी तक के लिए। हमारे निशु वहाँ पे तीन में डाउन कर चुके हैं, एक प्लेयर को किया था हमारे प्लेयर ने डाउन जो कि जाता जाता वहाँ पर कंप्लीट हो चुका, हमारे दो प्लेयर को कर दिया एक एम की सिक्योर पूरे तरीके से। यहाँ पर बात करें दो किल अपने खाते में डापे चाल चुके हो कि कपिला रॉय के एंड मोनक की अभी तक के लिए मॉन्क है मोनक है मॉन्क के लिए। बात करें हमारे निशु की, निशु आने का ट्राई करें पीछे थर्ड पार्टी नहीं मेरे भाई कवर फायर देने का ट्राई कर सकते हैं। हमारे जो कि लियो है, लियो यहाँ पर पता नहीं मेरे भाई क्यों यहाँ पर इतनी देर तक रुके, आपको पटाखे जाना चाहिए आपके प्लेयर के पास क्योंकि आपके प्लेस वहाँ पर काफी डाउन है और आपके प्लेयर की तरफ से कॉल तो मेरे भाई आ गई होगी कि लास्ट में स्टैंडिंग है, फटाक से आजा मेरे भाई मेरे पे। बात करें हमारे प्लेस की, तो प्लेयर आप क्लोजिंग करना चाह रहे काफी डाउन होते देखने को मिल रहा है एक्जैक्टली मेरे भाई ऑलमोस्ट 20 से 30 HP पे सर्वाइव करते देखने को मिलेंगे, लेकिन उनको भी आ जाएगा हमारे निशु भैया का वी एस यहाँ पर यूएमपी का शॉट और आपको भी कर देंगे इस मैच के अंदर हेलमेट, खतरनाक खेलते साबित हुए हमारे निशु भैया यहाँ पर 1v3 की सिचुएशन आराम से मेरे भाई अपने खाते में डाल चुके हैं और अपने खाते में डाल लिया पर पूरे के पूरे 4 किल, खतरनाक एक गेम चलाते यहाँ पर सारा फिट हुए, यहाँ पर 3 किल अपने खाते में डाल चुके हैं। जो चौथा प्लेयर है हमारा जाता जाता मस्टैंग भैया लेके चले गए, लेकिन मस्टैंग भैया की बात करते तो इसमें अच्छे होते भाई पटपुर से। बात करें हमारे फटाखे चलते हमारे वोल्ट के प्लेयर के पुत्र की होगी वोल्ट के रोकी को देखे नौकड़ अभी कल्लू भैया की बात करें तो कालू भैया जो कि हमारे कालू ओपी है पीछे जाने का ट्राई कर रहे 2v2 की हो चुकी सिचुएशन हमारे स्टेडियम के अंदर। अगर रैंडम वाली आता हमारे एक बार फ्लिक की बात करें तो फ्लिक वहाँ पे काफी डाउन करते देखेंगे मेरे भाई ऑलमोस्ट एक्जैक्टली नॉक कर देगी हमारे प्लेयर के द्वारा इनके जरूरी फाइट होती देखने को मिलेगी। तो हमारे फ्लिक के प्लेयर को कर देगा स्पार के द्वारा किल करना चाहेंगे सिक्योर, लेकिन पीछे से कवर फायर आता हूँ मिलेगा हमारे कालू भैया का, कालू भैया वहाँ पर काफी डाउन कर चुके कालू भैया ऑलमोस्ट वहाँ पर 10 HP सर्वाइव करते देखने को मिलता है, लेकिन उनको भी कर दिया जाएगा नॉकआउट अभी तक के लिए। बात करें हमारे पाकी के प्लेयर जो कि पीछे से फ्लैंकर और रॉकी आना चाहेंगे, रॉकी को दे चुके अभी तक के लिए अपने फ्लिक को दे दिया जाएगा रिवाइल काफी आसानी से, और जो मन स्टैंडिंग बचे अभी काफी थोड़े से पीछे होल्ड करते देखने को मिल रहा है। बात करें हमारे टीवन के प्लेयर की, तो टीवन के प्लेयर पर चलते पटाख से स्लोपोक की बात है, स्लोपोक की टोमी चलती हुई हमारे एवर को कर देगी किल सिक्योर, आप पूरी तरीके से क्लोज इन कर चुके जो कि हमारे फ्लैंकर फ्लैंक मार के आ चुके मेरे भाई पीछे से कालू को पता लग चुका है कोल्लू ओपी यहाँ पर ऑलरेडी होल्ड करके बैठे फ्लैंकर का आगे रोकना चाहेंगे जो कि रास्ता सामने होते के लिए। हमारे कैपियो की बात करें तो कैपियो हमारे बी के आईएमबी को कर देंगे पूरे तरीके से लिमिट के रैंडम नेट दिया किया जा रहा है, काफी खतरनाक रैंडम नेट हो सकता था, प्यारा नेट किया था मेरे भाई जगह जैसे प्रेमनाथ था रॉकी भैया तो आपको कर दिया था इस मैच में चेरी नेट, लेकिन रॉकी भैया को पीछे से घूम के कर दिया जाएगा वाइप आउट और हमारे लास्ट में स्टैंडिंग था 20 एंड 20 को भी कर देगा इस मैच से पूरा का पूरा बाहर अभी तक के लिए। बात करें हमारे जो कर्मा की जहाँ स्क्वाड है पिकाडो के ऊपर करती है रात बोलते 4 किल अपने खाते में डाल चुकी है आराम से बिना कोई अपने प्लेयर को गवाए,
चलते बाकी प्लेयर्स के ऊपर क्या रहते हैं सिचुएशन हमारे बी के प्लेयर्स की, क्योंकि अपने तीन प्लेयर पर गवाह बैठे। बात करें हमारे ड्रॉप लोकेशन की तो एल हजर देखने को मिल सकती है आज यूजल हमारे प्लेयर की, जो ड्रॉप लोकेशन हमारे सारे के सारे तीनों के तीनों पर हमारे एन ई आर के प्लेयर के द्वारा कर दिए गए एलिमेंट्स। लोगों की बात करें पर मिनी लेके हो चुके एकदम रेडी, चौथे बंदे को ढूंढने के लिए अभी देखिए तीन प्लेयर अपने खाते में डाल दो स्पॉट करने चाह रहे प्लेयर। लेकिन मेरे बात करें ट्रिगर की तो काफ़ी गलत सिचुएशन हो चुकी है बी के लिए, क्योंकि हमारा ट्रिगर जो एक प्लेयर है वहाँ पर ए एफ के होता है वो देखने को मिल सकता है। बात करें हमारे अर्सनल की, हमारे प्लेयर ढूंढना चाह रहे पूरे तरीके से अभी तक ले चलते हम फटाफट से हमारे बूस्टर के ऊपर। टी ए एन एच की बात करें तो ए एन एच में यहाँ पर मस्तांग जो अपने गवाह बैठे, लेकिन वहाँ पर निशु भाई ने अच्छा प्रदर्शन अभी तक ले दिखा दिया था। बात करें हमारे जी आई जी के प्लेयर होते हैं इस मैच से बाहर पूरे तरीके से, वोल्ट के प्लेयर हो जाते हैं बाहर हमारे एक और प्लेयर फाइट में। तो देखिए हमारे आई टेन टी टेन की जो हमारे प्लेयर था एक्जैक्टली टी टेन की प्लेयर ए टेन सॉरी ए टेन के नहीं मेरे भाई अच्छा टी वन के जो इवर थे ओके, तो बी की टीम के साथ ही खेलने को देख रहे हो मैं तो फटाक से चलेंगे बाकी टीम्स के ऊपर फटाक से। चैट में हमारे लॉन्डे क्या बोल रहे हैं, पॉप ब्रो वेलकम टू द स्ट्रीम मेरे भाई, स्लॉट फाइव किक ओमेगा मेरे भाई, ऐसी जो भी चीज़ होती है आप फटाक से जाके बोल दीजिए करें मैनेजमेंट को, क्योंकि मेरे भाई मैं रूम क्रिएटर नहीं हूँ तो मैं ये सब चीज़ों पर नहीं देख सकता। आई क्यू प्लेयर वेलकम टू द स्ट्रीम मेरे भाई, ब्रो की स्पोर्ट्स ऑल द बेस्ट, अरे थैंक यू सो मच फ्रॉम द ब्रो की स्पोर्ट्स मेरे भाई, जॉन सी टीम को भी आप ऑल द बेस्ट करो तो थैंक यू सो मच फ्रॉम दैट टीम। सागर ब्रो वेलकम टू द स्ट्रीम, टी क्यू टीम को दिखा दे, टी क्यू टीम की को दिखा देता हूँ भाई, टी क्यू की टीम को हमारे सोलोमन स्टैंडिंग देखने को मिले थे हमारे यूनिक अभी तक के लिए, यूनिक यहाँ पे सोलोमन स्टैंडिंग आया, देखते हैं क्या यहाँ पे सोलोमन स्टैंडिंग जो कि हमारे खेल तो देखने को मिल रहे कंपाउंड पे होल्ड कर चुके हैं। कंपाउंड आपका जोन के अंदर किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि आसपास आपकी कोई भी टीम देखने को नहीं मिल सकती है। तो देखते हैं क्या हमारे जो सोलोमन स्टैंडिंग है, अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे अपने हेड पे लेके आए, टॉप 15 तक अपने आपको यहाँ पर ला चुके हैं, क्योंकि दो प्लेयर यहाँ पर दो टीम यहाँ से हो चुके हैं रवाना, 17 टीम छोटा थी तो 15 टीम यहाँ ला चुके, तो क्या यहाँ पर बाकी टीम्स के साथ भी मतलब कितनी टीम में अपने आपको ला सकते, थोड़ी देर के अंदर पता लग जाएगा। चलते हमारे फटाक से बाकी प्लेयर्स के ऊपर भी, तो ब्लिट्स के प्लेयर की बात करें तो जो कि जेन एन टी एच के प्लेयर है, जेन एन टी एच के प्लेयर की बात करें हमारे अबू भाई की, तो अबू भाई भी जो हमारे हैं मिनी विदे केम के साथ देखने को मिल रहा है। देखे एस की बात करें तो एस यहाँ पर M4 विदे केम के साथ देखने को मिल रहा है। नैन्सी की बात करें टी क्यू यूनिक को दिखा ब्रो, अभी तो दिखाया ब्रो, यूनिक पे ऐसे पर्टिकुलरली काफी देर तक स्पॉट नहीं कर सकता ना मेरे भाई, तो ऐसे किसी पे स्टिक नहीं करूंगा मेरे भाई ज्यादा देर के लिए, उसका बता दिया मैंने पीओवी बता दिया पूरा आसपास सब दिखा दिया मेरे भाई, उसके बाद एग्जैक्टली किसी स्टिक पे ज्यादा देर तक करना इज वेरी डेंजरस फॉर अदर टीम्स ऑल्सो एंड आपकी टीम के लिए भी मेरे भाई, क्योंकि काफी दिक्कतें हो सकती है स्ट्रीम के ऊपर बैठे हुए काफी हर तरीके के लोग होते हैं मेरे भाई, तो गलत कर सकते। बात हमारे नैन्सी की, तो नैन्सी की बात करें आप M4 विदे केम के साथ देखने को मिल रहा है। फटाक से बात करें हमारे ट्रिपल एक्स प्लेयर की, तो ट्रिपल एक्स प्लेयर की उसी विद M4 मिनी के साथ देखने को मिल सकते हैं। एचपी की स्क्वाड पे शिफ्ट करते हैं फटाक से हमारे, जो कि इंपाला पे होल्ड करते देखने को मिल रही है, लूट करते दिख रही है आराम से, लूट कर लेगी ये जोन की तरफ जाने का करेगी। बात करें हमारे प्लेयर्स की तो जोन के अंदर अभी जाते हुए देखने को मिल सकते, क्योंकि मेरे भाई आराम से आपको गाड़ी होगी आपने लूट कर लिया, इंपाला से रोटेशन डालते हुए देखने को मिलेंगे। चलते हमारे फटाक से हमारे बीटीएल के प्लेयर के ऊपर, तो बीटीएल के प्लेयर हमारे जो ड्रॉप लोकेशन की बात करते एक्जैक्टली हमारे चुम्मा सेरा की ड्रॉप लोकेशन शायद होने को हो सकता है। एक्जैक्टली मेरे भाई चुम्मा सेरा इधर ड्रॉप लोकेशन हमारे लॉन्डे आए। डांटे भैया की बात करें तो स्कारन भी 10 के साथ देखने को मिल रहा है। बात करें हमारे लेजेंड की, लेजेंड का हमारे गाड़ी जो जुगाड़ कर चुके, लेकिन बात करें हमारे दूसरी जगह रावत के जी की, जो हमारे स्पाई के प्लेयर है, स्पाई के रावत को कर दिया जाएगा इस मैच, स्पाई के रावत के द्वारा कर दिया जाएगा इस मैच के अंदर से हमारे टी क्यू के यूनिक को पूरे तरीके से हेलमेट। शायद यहाँ पर रोटेशन डाल के जो पैदल पैदल काफी दूर से भागते हुए आ रहे थे हमारे जो कि ग्रेवियार्ड की साइड पे स्पॉट करके होल्ड करने का थोड़ा सा ट्राई किया और आपको इस मैच से कर दिया गया 15th रैंक के ऊपर एलिमेंट। तो मतलब जो हमारा सोलोमन स्टैंडिंग आया था हमारा टी क्यू का, यहाँ पर यूनिक ज्यादा सक्सेसफुली टॉप टीम में नहीं ला पाया, क्योंकि पूरी टीम की आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मेरे अकॉर्डिंग आपको एज टू एज खेलना चाहिए था, लेकिन आप यहाँ पर ऑलमोस्ट जोन में जाने का ट्राई कर रहे थे और आप हो जाते उस मैच के बाद 15th रैंक के ऊपर। मेरे भाई भवेश शर्मा वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो, टीम 19 शो जरूर दिखा देते हैं मेरे भाई, टीम 19 को भी फटाक से हमारे एचबी की स्क्वाड जैसे मैंने अभी दिखाई थी हमारे इम्पाला पे लूट करके निकली हमारे जो कि एचबी की स्क्वाड अभी निकले जोन में जाने का ट्राई कर रही है, गाड़ियों को जुगाड़ कर चुके आराम से जोन की तरफ रोटेशन डालते देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं हमारे ओमेगा भाई की, तो ओमेगा भाई यहाँ पर होल्ड करते देख रहे सैन मार्टिन की तरफ को, सैन मार्टिन का आराम से लूट कर लिया हमारे प्लेयर्स ने भी, होल्ड करके जोन की तरफ को जाने का करेंगे प्लेस अभी तक के लिए एक्जैक्टली। यहाँ पर बात करके हमारे जो कि ड्रॉप लोकेशन अपने सैन मार्टिन से लूट करके आराम से हमारे पावर ग्रिड की तरफ आ चुके, पावर ग्रिड पर करना चाहेंगे होल्ड करके कितने देर तक होल्ड करते देखने को मिलेंगे। लेकिन हमारे प्लेयर ने चला दिया पर प्लेयर एक्जैक्टली हमारे प्लेयर के द्वारा एनी के स्लोपों को कर दिया जाएगा भाई, बट हमारे लॉर्ड के सरल के द्वारा। चलते हैं फटाक से हमारे लॉर्ड के प्लेयर पर, कहाँ पर हमारे लॉर्ड के प्लेयर पर भाई,
लेकिन लॉर्ड के प्लेयर को कर दिया जाएगा हमारे प्लेयर के द्वारा वाइप आउट पूरे तरीके से हमारे जंकियार्ड की ड्रॉप लोकेशन मतलब जंकियार्ड की लोकेशन की साइड से हमारे जो सिरिल या फिर सोलोमन चढ़ने के आपको भी कर दिया जाएगा इस मैच के अंदर सेलिमेट पूरे तरीके से 14th रैंक के ऊपर। लेकिन जाते जाते एक आप छोटा सा डिसएडवांटेज बना गए हमारे एनईआर की टीम के ऊपर, आप उनके एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर को हमारे स्लोपोक को इस मैच के अंदर से जाते जाते रवाना करके और अपने खाते में किल डाल गए। कब बात करें हमारे 300 सारे तकड़े हमारे एनईआर के, लेकिन मेरे भाई स्लोपोक भी काफ़ी खतरनाक प्लेयर है। तो डिसएडवांटेज हमारी टीम को हो सकती है कि आप ऑलरेडी एक डाउन हो चुके हो और जो आपका प्लेयर आप पर गवा के बैठे हो वहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर देखने को मिल सकता था। जीआरटी की प्लेयर की बात करें तो जीआरटी के जैपियो की बात करते हैं, यहाँ पर जैपियो भी अपनी गाड़ियाँ लेकर जोन की तरफ को जाने का प्रयास कर चुके हैं। सेकंड जोन यहाँ पर 2 मिनट के अंदर हो जाएगा श्रिंकिंग होना स्टार्ट। फुल एडवांस रूम है 3x लूट के साथ जो कि 1.2 के जोन श्रिंक के साथ देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी मजा आने वाला है इस रूम के अंदर क्योंकि किसी भी प्लेयर के पास हमारे लूट की कमी होने को नहीं मिल सकती। ऊपर से बात रही हमारे जोन श्रिंक की, तो जोन श्रिंक में 1x में काफ़ी लोग कैम करते हैं फाइट एंगेज जल्दी जल्दी नहीं करते, लेकिन 1.2 के जोन श्रिंक पे यहाँ पर टीम्स को एंगेज करनी पड़ती है जिसमें मजा आता है। पटाखे चलते हमारे प्लेयर के ऊपर ट्रिपल एक्स जो हमारे प्लेयर थे एक्जैक्टली ट्रिपल एक्स नहीं किया था अपने मिनी से नॉकआउट कहाँ पर हमारे भाई ट्रिपल एक्स से फिर कौन सी टीम में खेलने को मिल रहे मेरे भाई। अरे ट्रिपल एक्स से फिर कहाँ गया मेरे भाई, बी के ट्रिगर की बात करें तो ट्रिगर लास्ट में स्टैंडिंग था जो कि हमारे बोरोगी स्पोर्ट के स्क्वाड के साथ खेल रहे थे, जो एएफके हो गए थे हमारे एलएसआर में होते हैं इस पांच से वाइप आउट पूरे तरीके से 13th रैंक के ऊपर। अभी तक के लिए चलते हमारे ट्रिपल एक्स के पे जो कि यहाँ पे रश है वहाँ पर रश कर चुके थे जो कि नॉक आउट करके दे दिया गया रिवाइव अपने प्लेयर को हमारे, आराम से कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली है। कंपाउंड के अंदर आप आपकी गाड़ी यहाँ पर कर दी गई ऑलमोस्ट बस्ट, लेकिन मेरे भाई आपको एक चीज़ करनी चाहिए जो मैं आपको सजेस्ट करेगा आपकी जो बची हुई दो गाड़ी आपको उसको कर लेने से सेफ, क्योंकि एग्जैक्टली आप वही करना चाहोगे स्मोक पाथ बनाना चाह रहे हो गाड़ियों को करने के लिए सेफ, क्योंकि आपकी एक गाड़ी वहाँ पर ऑलमोस्ट कर दी गई है पूरी तरीके से बस। चाहे बात करें हमारे ट्रिपल एक्स के पे तो ट्रिपल एक्स के पे वहाँ पर शॉट देना चाहेंगे अपन नीशो को, नीशो को स्पॉट किया गया शॉट देने का ट्राई कर, लेकिन मेरे भाई अभी तक के लिए शॉट आपके कनेक्ट नहीं हुए आराम से निशु की बात करें तो निशु यहाँ से रेड डॉट, अच्छा जी मेरे भाई निशु यहाँ पर रेड डॉट देने का ट्राई दे रहे हैं इतनी दूर यहाँ पर, लेकिन मेरे भाई थोड़ा सा ज़्यादा दूर देने का ट्राई कर रहे हैं मेरे भाई। चलते हमारे वी के प्लेयर के ऊपर देखिए ईगल क्लॉ के ऊपर, ईगल क्लॉ ने कर देख लो उसी पर किल करना चाहेंगे सिक्योर अभी देख लिया प्रोबोट का। पीछे बात कर हमारे अनुज की, अनुज लेफ्ट जाने का ट्राई कर रहे हैं ईगल को करने के स्पॉट वहाँ पर, अभी शायद कवर में मेरे भाई रिच हमारी पूरी की पूरी क्लोजिंग कर देगा हो चुकी है हमारे प्लेयर को अनुज को कर दिया नॉकआउट हमारे प्लेयर की तरफ आशीष भैया कवर पाए देखते हुए देने को मिले। लास्ट में स्टैंडिंग अभी तक के लिए बच्चे फॉल बैक करने का ट्राई करेंगे एक्जैक्टली मेरे भाई फॉल बैक करके निकलने का रवाना हो चुके हमारे गुरु भाई, गुरु भाई ने डिसीजन लिए फॉल बैक करने का क्योंकि अपने प्लेयर को बचाना इज वेरी इंपॉसिबल थिंग, क्योंकि प्लेयर वहाँ पर कर देंगे लिमिट पूरी तरीके से और अगर आप क्लोजिंग करना चाहिए तो आपके लिए काफ़ी डिसएडवांटेज देखने को मिल सकते हैं कि हमारे वीई की जो स्क्वाड है पूरा का पूरा 4 मैन स्टैंडिंग अभी तक के लिए देखने को। सेकंड जोन जो था यहाँ पर श्रिंकी बना हो चुका स्टार्ट एंड कुछ देर के अंदर थर्ड जोन बन जाएगा। बात कर हमारे वी के प्लेस की तो वी के प्लेस जाना मेरे भाई 400 मीटर आपको जोन के अंदर, तो किसी भी तरीके की दिक्कत हो अभी तक के लिए आपको नहीं होने वाली। दो गाड़ी है मेरे पास आपको मतलब आपके पास देखने को मिल रही है मेरे को आपकी दो गाड़ी है। कर्मा के प्लेयर की बात करें कर्मा के कल्लू भैया जो थे कल्लू भैया आते दोबारा से हमारे एग्रेशन के अंदर करते अपनी मिनी से नॉकआउट चलते हमारे कर्मा के कल्लू भैया भे ओके कलुआओ भी की बात करें तो कलुआ भी आगे शॉट देने का ट्राई करें हमारे नैन्सी को कर देगा नॉकआउट वहाँ पर। दूसरी तरफ को ईगल क्लॉक को खेल मिल जाएगा हमारे वोडका का खेल सिक्योर की बात करें हमारे बीटीएल की देखिए तो बीटीएल के हमारे आई एम डांटे जो नॉकआउट हुए थे यहाँ पर दे देंगे रिवल वहाँ पर AWM चलती देखिए एक्जैक्टली मेरे भाई खतरनाक AWM चलने का ट्राई कर रहे हैं लेकिन मेरे भाई शॉट होते देखेंगे मिस क्योंकि प्लेयर वहाँ पर ओपन में आप किसी भी तरीके का पिक एंड ऑल नहीं दे रहे। बात करें हमारे ट्रिपल एक्स खेल तो ट्रिपल एक्स एक प्लेयर यहाँ पर गवाह बैठे हमारे जो कि है नैन्सी को अपने एक्जैक्टली नैन्सी को ANH के लिए होने कर दिया इस मैच के अंदर से वाइप आउट अपने खाते में डाल चुके हैं पूरा का पूरा एक खेल। एस को वापस स्पॉट कर सकते हैं आराम से लेकिन मेरे भाई एस को स्पॉट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए क्योंकि एस जो यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिच के अंदर एंड रिच के साथ साथ उनके पास काफ़ी कवर अभी तक के लिए देखने को मिल सकता है, तो हमारे लियो जो काफ़ी अच्छा हाइट एडवांटेज पे है वो आपको स्पॉट नहीं कर पाएंगे क्योंकि अगर हमारा एस का प्लेयर रिच से बाहर आता है तब ही आप स्पॉट करोगे, उसके बिना आपका स्पॉट करना इज वेरी अनसक्सेसफुल थिंग फॉर यू मेरे भाई। चलते हमारे किंग्स के प्लेयर के ऊपर तो किंग्स के प्लेयर की बात करते हो जो कि हमारे मॉन्टेनोवो एक्जैक्टली मेरे भाई मॉन्टेनोवो पे होल्ड करते देखने को मिल रहे हैं लूट कर रहे हैं आराम से लेकिन पीछे रोटेशन डालते देखने को मिल रहे हैं हमारे TIG के बेन भाई की जो गाड़ी है गाड़ी लेके जोन की तरफ को जाते हो देखने को मिल रहा है एक थोड़ी सी दिक्कत है आपके लिए हो सकती थी लेकिन भाई अगर आप मॉन्टेनोवो रुकते हो लेकिन मॉन्टेनोवो स्पॉट नहीं कर पाए हमारे जो कि एलेक्स आपको एलेक्स अपना लूट करने में आराम से बूम मामा जलने में चल रहे थे नहीं तो अगर आपकी गाड़ी को स्पॉट तो शायद क्रॉस करने का ट्राई कर सकते थे अभी तक के लिए।
हाइब्रिड स्पोर्ट्स स्लॉट 19 जरूर दिखा देते मेरे पास स्लॉट 19 को भी अपने कहाँ पर हमारा स्लॉट 19 जो कि हमारा हाइब्रिड स्पोर्ट का ओके। तो गुरु भाई की बात करते हैं लास्ट मैन स्टैंडिंग अभी तक के लिए अपनी टीम से बचे, तो जैसे मैंने बताया था कि हमारे वोड कॉपी और प्रोबोट अनाउंस को कर दिया गया था हमारे एलिमेंट वीई के प्रेस के द्वारा, जहाँ से हमारे गुरु ने लिया था फॉल बैक अपनी गाड़ी लेकर थर्ड जोन अपना देखा स्टार्ट 1.5 मिनट के अंदर आपको अराउंड जाना मेरे भाई जोन के अंदर 625 मीटर अभी तक के लिए। WOG की जो रावण है यहाँ पर गाड़ी से कूद के हो जाएंगे नॉक है मेरे भाई, हाइट से हो चुके नॉक देख के कह रहे थे सिचुएशन एक्जैक्टली मेरे भाई गाड़ी से कूद के हो जाएंगे नॉक, गलत सिचुएशन हो चुकी थी लेकिन मेरे भाई आपको रिवाइव दे दीजिएगा हमारे प्लेयर के द्वारा क्योंकि किसी भी तरीके की दिक्कत अभी तक के लिए देखने को नहीं मिल सकती है। किल्स कितने मेरे भाई, 0 किल्स के साथ अभी तक के लिए सर्वाइव करने को मिल रहे हैं हमारे जो लॉन्डे अभी तक के लिए, हमारे गुरु भाई जो कि लास्ट में स्टैंडिंग है अभी तक के लिए बहुत से, हमारे भावेश शर्मा फुल मैप क्या लिख रहे हो ब्रो, फुल मैप डिलैपिडेटेड मतलब पूरा मैप दिखाने को कह रहे हो क्या मेरे भाई, बात करें हमारे एम डांटे की तो एम डांटे की साइड से होल्ड कर तो देखने को मिलेंगे पीछे जो कि जोन के अंदर जाने का करीब प्लान, जहाँ पर ऑलरेडी हमारी टीम नंबर 20 की जो स्क्वाड है होल्ड करके बैठी थी उन्हें पता लग चुका एक्जैक्टली शॉट आ चुके, शॉट देना चाहेंगे हमारे प्लेयर को। वहाँ पर जोकर की बात करें जोकर यहाँ पर रुक चुके क्लोज इन हो चुका हमारे प्लेयर के द्वारा जो कि जोकर के द्वारा जोकर ने डिसीजन लिया फॉल बैक करने का कॉल आ गई उनके प्लेयर की मेरे भाई, पटाख से आदमी पीछे निकलते हैं थोड़ा सा कंपाउंड होल्ड करने का ट्राई करते हैं काफी ओपन है रिच का पूरा कवर तो कॉल दिस सिचुएशन अभी तक देखने को हो सकती है भाई। बिना IGL है स्लॉट 19 ओके, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, क्या करें अब आपकी वो हेडिक है मतलब आपके ऊपर डिपेंड है मेरे भाई, आप बिना IGL खेल रहे हो वो आपकी स्ट्रैटेजी है मेरे भाई, उसके लिए मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। बाकी अपने तीन लॉन्डे यहाँ पर गवा बैठे, बात करें हमारे बेन की तो बेन यहाँ पर क्लोजिंग कर चुके हैं, हमारे डेंटे के ऊपर डेंटे की बात करें डेंटे यहाँ पर पूरी पूरी स्क्वाड आ चुके हैं कंपाउंड होल्ड करना चाहती है, वहाँ पर ऑलरेडी पूरा स्क्वाड होल्ड कर चुके हैं हमारे 4v4 की हो चुकी सिचुएशन अभी तक के लिए, एक रैंडम नेट जाएगा हमारे जैपियो के द्वारा खतरनाक नेट हो सकता है लेकिन मेरे भाई वो नेट कनेक्ट होगा लेकिन पीछे थर्ड पार्टी करने को देखो मिल चुके हैं, हमारे कर्मा के स्क्वाड वहाँ पर मिनी चलती दिखेगी हमारे कल्लू ओपी की कल्लू ओपी कलुआ ओपी वहाँ पर स्क्वाड करके नॉक कर देंगे प्लेयर को करना जाएंगे, किल्स के पीछे M4 चलती दिखे जोकर के ऊपर जोकर ऑलमोस्ट 60 HP पे सर्वाइव करते देखने को मिलेंगे, हमारे BTS का जो स्क्वाड है बीच में पिंच हो चुका आगे TXL के प्लेयर है पीछे से हमारे कर्मा के प्लेयर जो कि M4 और मिनी बैक टू बैक चलाने का ट्राई करें खतरनाक सिचुएशन हो चुकी है, पीछे से कोई रोटेशन आते देखने को मिल रही जो कि हमारा आउटलाइन का स्क्वाड है गाड़ी लेकर जाने का ट्राई करें मेरे भाई, किंग ओपी जहाँ पर आप जाने का ट्राई करो वहाँ पर ऑलरेडी हमारे जो कि है माजिद ओपी होल्ड करने का ट्राई करें, माजिद ओपी के ऊपर क्लोजिंग करना चाहेंगे हमारे किंग ओपी शायद फाइट लेना चाह रहे एक्जैक्टली मेरे भाई, फटाक चलते हमारे किंग ओपी के ऊपर आप माजिद ओपी एक सामने रेज वाले पे ही होल्ड करते देखने को मिलेंगे, पीछे बात किया मार्केज कॉल हो चुके मेरे भाई कि राइट में आ चुके गाड़ी प्लेयर कर चुके होल्ड तो शायद यहाँ पर से भी गोलियां पड़ने की संभावना हो सकती है एग्जैक्टली और इसी कॉल सुनने के बाद हमारे मार्केस भाई कर देंगे एक नेट आपके ऊपर लेकिन वो नेट कनेक्ट नहीं होगा जो बाउंस पे वो थोड़ा सा पीछे चलेगा लेकिन आपके द्वारा भी एक नेट आएगा हमारे मार्केस उसके ऊपर जो थोड़ा सा गलत हो सकता है मेरे भाई लेकिन बाउंस होके वो वहीं पे नेट रुक जाएगा तो किसी तरीके नेट वहाँ पर दिक्कत अभी तक के लिए नहीं देने वाला लेकिन क्लोजिंग कर चुके हमारे प्लेयर जो भाई एग्जैक्टली अब प्लेयर क्लोजिंग तो नहीं कह रहे मेरे भाई जो कि हमारे प्लेयर थे यहाँ पर BTL की गाड़ियाँ लेके कर चुके फॉल बैक रिच के ऑलमोस्ट एच पे आके जोन के एच पे आके होक कर चुके होल्ड अभी किसी तरह की दिक्कत देखने को नहीं मिल सकती हमारे प्लेयर के पास, लेकिन बात करें हमारी टीम नंबर 5 जो कि किंग्स का स्क्वाड है किंग्स का स्क्वाड की बात करें चौथा जोन यहाँ पर जो कि 1.5 मिनट के अंदर हो जाएगा स्विंग होना साइड हमारे मार्केस भाई की बात करें तो मार्केस भाई ने कर दिया नॉकआउट आपको पूरे तरीके से किल करना चाहेंगे सिक्योर अभी तक के लिए देखते क्या रहते हैं सिचुएशन यहाँ पर क्लोजिंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, AKM की शॉट जाते देखने को मिलेगा रैंडम मॉली किया गया था लेकिन वो मॉली अभी तक लेकिन लेकिन मेरे भाई जहाँ पर आप कर रहे हो वहाँ पर लेकिन पीछे से AWM चलती देखिए हमारे फ्लिक भाई के फटाक से फ्लिक पड़ेगा हेड शॉट आपको ओमेगा को भी करते जाएगा काफी डाउन होने गया और मोटे नॉकआउट करना चाहेंगे लेकिन हमारे कल्लू भैया पीछे से ग्रोजा लीजिए क्या देंगे पूरी तरह से आपको भी कर देंगे स्मैच के अंदर हमारे WOG की कल्लू भाई की ओके M4 की यहाँ पे WOG की स्क्वाड होती है स्मैच के अंदर चलिए 12th rank के ऊपर हमारे जो कि एक पेयर को कर दिया जाएगा मार्केस को नॉकआउट मार्केस को दे दिया जाएगा रिवाइल काफी आसान है किसी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली, बात करें हमारे आशीष भैया की तो आशीष भैया यहाँ पर एक किल कर चुके हैं हमारे पूरे तरीके से यहाँ पर सिक्योर अभी तक के लिए जो कि हमारे प्लेयर के लिए जो कि हमारे ANSC स्क्वाड के अंदर खेलते दिख रहे ANSC के पर लियो हमारे BRDM यहाँ पर मंगवा चुके अभी तक के लिए, बात करें हमारे लोकेशन की तो चुम्मा से रहा यहाँ पर लोकेशन देखने को मिल सकती है पीछे NER के प्लेयर भी आ चुके हमारे NER के प्लेयर के ऊपर शॉट आते देखेंगे हमारे कॉपी के ऊपर हमारे प्लेयर के द्वारा जो कि हमारी टीम नंबर 20 वर्सेस टीम नंबर 11 वर्सेस टीम नंबर 2 देखने को मिल सकते हैं पीछे से हमें 4th party करते देखने को मिल सकते हैं हमारे ब्लेस के ओके ब्लेस के जहाँ पर ऐसे हमारे कॉपियों ने एक नेट किया था काफी खतरनाक नेट हो सकता था प्लेयर हमारे आके बैठ चुके BRDM के अंदर अभी तक के लिए डिसीजन ले BRDM लेकर फॉल बैक करने का लेफ्ट से काफी अच्छा डिसीजन हो सकता है मेरे भाई क्योंकि अगर आपके ऊपर आया स्प्रे तो काफी गलत आपके लिए हो सकता है काफी अच्छा डिसीजन आपने अभी तक के लिए पीछे स्मोक कर दिया गया हमारे प्लेयर द्वारा बात करें
टीम नंबर 11 की तो टीम नंबर 11 के सामने ड्रॉप ड्रॉप करना चाहेंगे। ओके भाई बात कर लेवल 3 गियर्स विद एक के MK14 देखने को मिल सकती है। जाप जाने का ट्राई करो मेरे भाई, वहाँ पर ऑलरेडी एक स्क्वाड होल्ड करके बैठी हमारे रश ट्रिपल एक्स स्क्वाड। एक्जैक्टली मेरे भाई, आपको अगर करते हैं स्पॉट तो आपके लिए कर सकते हैं, काफ़ी गलत है। अभी देख ले बात करें हमारे BTL के जोकर की, तो BTL के जोकर हमारा किंग्सो बात करें हमारे प्लेयर की, तो प्लेयर यहाँ पर होल्ड करते देखने को मिलेगा। दो मिनट में यहाँ पर 11 टीम देखने को मिल सकती है मेरे भाई। दो मिनट में अर्जेंटली मेरे को जाना पड़ेगा, मैं दो मिनट में आता मेरे भाई, बस दो मिनट में आप फटाक से उसके बाद दिखाते मेरे भाई सपोर्ट टीम को। दो मिनट में है मेरे भाई, सॉरी मेरे भाई लोग।
सॉरी गाइस, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी ड्यू टू एंड इशू, मैं नहीं कर पाया आखिर जोन को वापस कास्ट मेरे भाई। मैं आपको एक्जैक्टली रीजन बता देता हूँ मेरा क्या इशू था मेरे भाई। सच सच आप भाई लोगों को बता देगा कि मेरा क्या इशू था मेरे भाई। एक्जैक्टली मेरे भाई का चल रहा है इस टाइम पे एग्जाम एंड उसका पेपर सबमिशन की जो टाइम था लास्ट टाइम था 6:30 और 6:25 पे उसको नोटिफिकेशन आई कि मेरे भाई आपका जो एग्जाम है वापस सबमिटेड नहीं हो रहा। तो उसने 2 से 3 बार ट्राई किया तो उसका नहीं हो रहा, तो फटाक से उसने बोला मेरे भाई 2 मिनट बचे फटाफट से मेरे पास आ जा मेरे को ये करवा दे, नहीं तो मैं काफ़ी एग्जाम में दिक्कत हो सकती है। तो पेरेंट्स करेंगे कि मेरे भाई की आप एग्जाम वगैरह सबमिट नहीं कर रहे हो तो कैसे चलेगा। तो इसलिए मेरे को फटाक से जाना पड़ा मेरे भाई, मेरे को लगा कि वो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं फटाक से गया, अपने भाई का पेपर अपलोड कराया एंड एग्जाम सेल में कॉल एंड ऑल किया। तो उसके बाद मैं फटाक से वापस आया, तब तक आगे देखा कि हमारे कर्मा के स्क्वाड ने दोबारा से ले लिया इस मैच का सेकंड इनर। तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गाइज, होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड व्हाट द एक्जैक्ट रीजन मेरे को बीच में छोड़ के जाना पड़ा मेरे भाई। अगर मैं शायद ना जाता तो 6:30 हमारा टाइम हो चुका, तो शायद मेरे भाई का वापस एग्जाम सबमिट ना होता जो कि इतने मेहनत वो काफ़ी टाइम से कर रहा था मेरे भाई। तो बात कर लेते हैं वो, चलो हो गया कोई दिक्कत नहीं, सॉरी गाइज मैं दोबारा बोलूँगा। बात करें हमारे रैंकिंग से इस मैच की, जो सेकंड मैच की, फर्स्ट रैंक में जो आते हमारे कर्मा भाई का स्क्वाड आता है जो कि लेके जाता हमारा 8 मेरे भाई 8 किल करे हमारे कालू भाई ओपी ने, कलुआ भाई ओपी ने 8 किल करे हमारे फ्लिक में 8 और 8 16 और 1 17 22 किल के साथ लेती है हमारी कर्मा की स्क्वाड यहाँ पर चिकन डिनर। सेकंड पे आता हमारा स्पाई का स्क्वाड, थर्ड पे आता हमारा BTL, फोर्थ पे हमारे TXG, फिफ्थ पे आता हमारा दोगी VE, सिक्स पे आता हमारा ब्लिट्स, सेवन पे आता हमारा ANH, एट पे आता है NER, नाइन पे आता है किंग्स, टेन पे आता हमारा HB, इलेवन पे आता है AN, ट्वेल्थ पे आता हमारा जो का आउटलाइन का स्क्वाड है, थर्टीन पे आता है BE, फोर्टीन पे आता है लॉर्ड, फिफ्टीन पे आता है TQ, सिक्सटीन पे आता हमारा BTR, सेवनटीन पे आता है GIG। तो ये थी इस मैच की सारी की सारी रैंकिंग। एक और बार दोबारा से बोलूंगा आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, मेरे को थोड़ा सा अर्जेंट काम आ गया था इसीलिए ही मेरे डैड ने शायद कॉल किया था, डैड ने एक काम और था तो वो भी मैंने कर दिया था। तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, अभी थर्ड मैच है, थर्ड मैच को करेंगे दोबारा से बूम बम कास्ट अपना। तो मेरे भाई दोबारा से बोलेगा आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गाइस। बात करके आते मैं एक बार अपने यमरोग ब्रो से भी बात करके आया था, फटाक से उनको बोल गया था, उसके बाद मिलते हैं मेरे भाई वापस आके खेलेंगे TDM में डेवलप करो सर। Team match, let's go. Hello, Knuckle Bro. Welcome to the stream, mere bhai. Kaise ho? The blue team has scored for the first time. मेरे कोई मार देगा चीचा, अरे भाई हट बे साले, कवर फायर दे दिए पीछे से।
The red team doesn't have a lot of time left. Half of the match is over, and the blue team is in the lead. Killing spree for the blue team! Blue team victory!
Team match. Let's go. First point for the red team. Cover me. Target down! Reloading! अरे भाई हट पे रिलोड का ही प्री फायर दिया मैंने तरह अरे भाई हट The red team doesn't have a lot of time left.
The match is over, and the blue team is in the lead. Kill! No mercy! Reloading! Kill! Arre yaar, hat me! I single tap guns chutte hote bhai. Clear! भाई 119 माँ कसम एक गोली Blue team victory. चलो लेके आते हैं भाई लोग अपना आईडी पासवर्ड टंटर वाला और अपने चलते अपने रूम के अंदर भाई लोग सो गाइस वी आर इन द रूम चल के बैठते अपने स्लॉट पे एंड वेट करते अपने भाई लोगों को जिनने का क्योंकि हमारा होने वाला जो थर्ड मैच यहाँ पर PUBG वर्ल्ड कप सीरीज के ग्रुप जेड का थर्ड क्वार्टर फाइनल राउंड जो होने वाला हमारा रैंगल हमारे साथ 10 प्लेयर्स जुड़ चुके हैं हमारे पास अराउंड अभी 8 मिनट तो वेट करते अपने भाई लोगों का बात करें हमारे रूम के स्पेसिफिकेशन की तो 1.2 के जोन रेंज के साथ फुल 3 क्लीन देखने को मिल सकते हैं मतलब लूट की कमी किसी इस मैच के अंदर नहीं होने वाली तो देखते हैं इतनी तगड़ी लूट लेने के बाद कौन सी टीम लेके जाती है सेकंड इनर पिछले दो मैचेस की बात करें तो कंटिन्यूअसली हमने कर्मा भैया की जो स्क्वाड ने लिया है सेकंड इनर देखते हैं थर्ड मैच में भी क्या कर्मा भैया की जो स्क्वाड है हमारे इस एक स्ट्रीक को कैरी कर पाएगी
सो गाइस अपना जो थर्ड मैच है यहाँ पर हमारा रैंगल का हो चुका है स्टार्ट। हमारे साथ जुड़ चुके हैं 55 प्लेयर। फटाक से देखते हैं कौन कौन सी टीम कौन सी नहीं आई है, कौन कौन सी टीम में कितने प्लेयर खेलने को मिल सकते हैं। हमारे वी का जो पूरा स्क्वाड है वो टी प्लेयर हमारे 3 मैच स्टार्टिंग देखने को मिल रहा है। अभी देख ले किंग्स के प्लेयर की बात करें तो किंग्स के जो हमारे प्लेयर है 4 मैच स्टार्टिंग आया। कर्मा का स्क्वाड आया, 8N हमारे साथ आए, WOG हमारे साथ आया, NER का मट्रायो आया, 13 जो कि स्लॉट में हमारे बैठे GRT के प्लेयर हमारे साथ आ चुके हैं। 14 में बात करें तो स्पाई के प्लेयर आए हमारे लॉर्ड गेस्ट सेरल ब्रो, सोलोमन स्टैंडिंग हमारे साथ आया, बी के हमारे ट्रायो आए, हमारे BTL के प्लेयर आए, हमारे जो कि HB के यहाँ पर प्लेयर आ चुके, हमारे जेम्स के प्लेयर आ चुके, ANH आ चुके हमारे साथ, IQ आ चुका है, ओके एंड अपना जो TQ की अपना ट्रायो भी इस मैच के साथ। तो पटाख से लेते हमारे बात करते हैं हमारे प्लेन पर की, जो इसे रैंगल मैच का प्लेन पर होने वाला है मिलिट्री बेस की ऑलमोस्ट स्टार्ट होता हुआ यहाँ पर पहुंचेंगे सर के ऊपर से निकलता हुआ स्कूल के द्वारा होता हमारे स्टॉलवर की साइड पर जाकर खत्म होगा। थोड़ी सी दिक्कत है उनके लिए आने वाली जिनकी ड्रॉप लोकेशन हमारी मिल्टा पावर या फिर लिपोक का या जार्की की साइड की होने वाली, क्योंकि वहाँ तक जाने के लिए मेरे भाई थोड़ी सी दिक्कत है आपको फेस करने को मिल सकती है। लेकिन जार्की तो ऐसा ड्रॉप लोकेशन है कि जिसपे काफ़ी कम बंदे जाते हैं, लेकिन लिपोक का और मिल्टा पावर पर काफ़ी स्क्वाड जाने का ट्राई कर सकती है। अभी देख लिया देखते हैं यहाँ पे हमारे लॉबी के अंदर कौन सी टीम करना चाहिए हमारे मिल्टा पावर या लिपोफ का को अभी देख लिया। ओके भाई देखते हैं हमारा मिलिट्री बेस अभी देख लिया एग्जैक्टली मेरे भाई काली देखने को मिले। लेकिन बात करें हमारे लॉर्ड के प्लेयर की तो लॉर्ड का सोलोमन स्टैंडिंग जो सिरिल है पूरा का पूरा करेगा मिलिट्री बेस पे यहाँ पर रात। अभी देख लिया GRT के प्लेयर्स की बात करें तो GRT के प्लेयर शायद मिलिट्री बेस तो नहीं देखते दिख रहे, शायद हमारे नोबोप नोए की तरफ जाने का ट्राई कर सकते हैं। अभी देख लिया बात करें BE के प्लेयर्स की तो क्वेरी की तरफ जाते हुए देखने को मिल रहे। VE के प्लेयर्स की बात करें तो हमें मिलिट्री बेस के जो ब्रिज होता है ब्रिज के साइड जल का पाल उठते देखने को मिलेगा। मस्टैंग की बात करें तो मस्टैंग भाई हमारे पोचिंग की तरफ को जाते हुए देखने को मिल रहे। NER की बात करें तो NER हमारे जो कि रूइंस की तरफ को रूइंस ने मेरे भाई स्कूल की साइड कंपाउंड की तरफ तो देखने दिख रहे अभी तक ले। HBP की बात करें तो HBP के जो प्लेयर्स हैं हमें वाटर सिटी की तरफ को जा रहे। BTL के प्लेयर की बात करें तो स्कूल की तरफ को जा रहे BTL के साथ हमारे ANH के जो हमारे प्लेयर है कंपाउंड रूट तो देखने को मिलेंगे। स्प्लिट के अंदर बात करें हमारे कर्मा भाई की स्क्वाड की एंड HBP की जो स्क्वाड है उसकी तरफ को जाते देखने को मिल रही है। कर्मा की बात करें तो शायद जॉर्डोपुल की तरफ को जाते देखने को मिल सकते हैं। वोल्ट की बात करें तो कंपाउंड लूट तो मिलेंगे हमारे स्कूल के साइड वाले। बात करें हमारे स्पाई के प्लेयर्स की तो स्पाई और हमारे जो किंग्स के प्लेयर है मेंशन की तरफ जाते देखने को मिल रहा है। यासना पे दो स्क्वाड आई हमारे ब्लिट्स के प्लेयर और IQ की जो क्वीन हमारे सोलोमन स्टैंडिंग इस मैच के अंदर आए थे। बाकी बात करते हैं सेवरनी अभी तक के लिए काली देखने को मिला। स्टॉल पर भी गए हमारे TQ एंड A10 के स्क्वायर जो कि अपनी प्लेयर्स अभी देख के लिए हमारे WAG के प्लेयर्स की बात करते हैं WOG के प्लेयर हमारे स्टॉल पर साइड वाले कंपाउंड जो कि स्प्लिट में लूट तो देखने को मिल सकते हैं। तो बात करें हमारे अर्ली फाइट कहाँ देखने को मिल सकते हैं मेरे भाई, क्योंकि अर्ली फाइट के चांसेस इस मैच के अंदर काफ़ी कम लग रहे हैं। या तो देखने को मिल सकते हैं हमारे स्पाई के प्लेयर्स के द्वारा, लेकिन स्पाई के प्लेयर यहाँ पर डाल तो देखने को मिल रहे हैं। ऊपर से गाड़ी लेके आ चुके हमारे प्लेयर। बाकी बात करें हमारे जो कि कोचिंग की अभी तक लोग तो सोलो ही स्क्वाड आ रखी है पूरी। बात करें हमारे प्लेयर पे किंग्स के प्लेयर की बात करें तो किंग्स प्लेयर ने शायद पीछे मेरे भाई स्पॉट नहीं करा कि पीछे ऊपर से उठते हुए 2 प्लेयर आ रहे थे, शायद उसका आपके लिए आराम से उठा सकते थे। 2 भी नहीं मेरे भाई पूरी स्क्वाड आ रही थी, लेकिन हमारे प्लेयर वो जो कि बग्गी लेके निकल चुके हमारे वेयरहाउस की तरफ। तो वेयरहाउस तो नहीं मेरे भाई जो कि शेल्टर के साइड पे एक बड़ा सा क्या कहते हैं इसे मेरे भाई वेयरहाउस ही कहते हैं, मुझे एग्जैक्टली वेयरहाउस ही कहते हैं। तो फ्रॉस्टर की बात करें फ्रॉस्टर को मिल चुकी है यहाँ पर VSS विद म्यूटेंट है, म्यूटेंट को चेंज करना चाहेंगे M4 से एंड आपने सामने SKS पड़ी हुई मिलेगी। SKS विद M4 के कॉम्बिनेशन के देखने को मिल सकते हैं। बात कर लेते हैं हमारे वी के टैंगो की तो वी का जो स्क्वाड है अपना उतरा हमारे फार्म की तरफ। तो अभी देख ले बात करें हमारे वोल्ट के प्लेयर तो वोल्ट के प्लेयर जो कि हमें स्कूल के साइड वाले कंपाउंड पे जाते देखने को मिल रहे। किंग्स के प्लेयर की बात करते तो किंग्स के प्लेयर जो कि हमें अभी तक शेल्टर की साइड पे होल्ड करते देखने को मिल रहे। लेकिन हमारे जो एक सोलोमन स्टैंडिंग आए थे टीम IQ के क्वीन ओपी को कर दिया जाएगा इस मैच के अंदर से एलिमेट हमारे अब फू भैया के द्वारा हमारे यासना के ड्रॉप लोकेशन के ऊपर 17th रैंक के ऊपर पूरे तरीके से 1v1 की सिचुएशन में हमारी क्वीन होती है इस मैच से बाद जो एक कॉर्नर एज पे होल्ड करने का ट्राई कर रही थी लूटने का ट्राई कर रही थी, लेकिन गलत सिचुएशन हो गई हमारे अबफू भैया ने कर दिया आपको इस मैच से बार 17 रैंक के ऊपर। देखते क्या रहते हैं सिचुएशन अभी तक के लिए। किंग्स ऑफ फियर की तो किंग्स ऑफ फियर की बात करते हैं किंग्स ऑफ फियर की बात करते हैं फटाक से हमारे स्कैरल से कर चुके हैं किल करना चाहेंगे सिक्योर ऑन द स्पॉट कर लिया जाएगा हमारे स्नेह सिंह का सिक्योर अभी देखिए जो कि स्पाई के साथ खेल तो देखने को मिल रहे थे। पीछे स्पाई दो पे होल्ड कर रहे राइट से हमारे काउंटर भी आ रहे हैं, लेकिन पीछे बात करते हो किंग पे पिन जो कि काफी ऊपर जा रहे हैं मेरे भाई गलत हो सकता है आपके लिए अगर हम आपको स्पॉट कर लिया रावत जी दें, लेकिन रावत जी तो अभी देख रहे स्पॉट नहीं कर रहे। बात करें हमारे पवन भाई की तो पवन भाई भी लूटने में कर चुके फोकस जिसका फायदा उठाएंगे हमारे किंग पिन क्लोजिंग कर देंगे हमारे मेंशन के अंदर पूरे तरीके से। ओके तो हम 16 चलते हैं देखने को मिलेगी हमारे काउंटर भाई की तरफ से। काउंटर भाई यहाँ पर हम 16 चलाने का ट्राई करें स्पॉट करना चाह चुके हैं। किंग पिन ने एक गेम से ऑलमोस्ट उनको कर दिया 20 HP, लेकिन मेरे भाई पीछे से आपके ऊपर अगर कवर फायर आता तो गलत आपको हो जाएगा एग्जैक्टली मेरे भाई जैसे मैंने बोला रावत जी को पीछे जाने का ट्राई कर रहे हैं। अभी देख लिया हमारे पवन भैया वापस कवर फायर देने का ट्राई करते हैं, लेकिन शायद किंग पिन वापस बच गए। बात हमारे फियर की तो फियर पीछे से क्लोजिंग कर चुके हैं एंड स्पाई कॉन्टैक्ट कर चुके हैं इस मैच पवन भाई
आउट अगर उसको गाली गलत यू ऑलमोस्ट मैन एच पी सर्वाइव कर दो देखोगे आपको भी कर ले जाएगा नॉकआउट किल कर ले जाएगा सिक्योर हमारे जो रावत जी है रावत जी हो चुके रवाना यहाँ पर पूरी तरीके से क्योंकि गन्स के नाम पे कुछ नहीं है लूट के नाम पे जीरो देखने को मिल रही है हर चीज़ में तो बाकी हमारे रावत जी ने काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया फॉल बैक लेने का क्योंकि खाली पंच से तो आप फाइट नहीं ले सकते सामने प्लेयर्स के पास ऑटोमेटिक राइफल देखने को मिल सकती है और आपके पास अपने प्रोटेक्शन के लिए तो शायद मेरे को हेलमेट दस बी बजे के लिए देखने को नहीं मिल रहा है तो रावत जी का काफी अच्छा डिसीजन हो सकता है। दूसरी का बात करें हमारे किंग्स के प्लेयर की तो तीन किल अपने खाते में पूरे तरीके से डाल चुके हैं किंग पिन ने डाले या फिर दो किल एंड एक किल जो मिला हमारे फियर के प्लेयर को मिला जो कि हमारे किंग्स का यहाँ पर फियर देखने को मिल रहा है अपने से करा था जिन्होंने यहाँ पर वाइड आउट बात करते हैं पटाख से हमारे लूट की चल रहे थे बाकी तब तक चलते पहले दूसरे प्लेस के ऊपर बात करें कर्मा की जो स्क्वाड है कर्मा की स्क्वाड अभी तक के लिए हमें जॉर्जो पुलिस कंटेनर उतर तो देखने को मिल रहा है 810 के प्लेयर की बात करें तो 810 के प्लेयर जो कि मोस्ट प्रॉब्लम मेरे को कौन सी लोकेशन है एक्जैक्टली पता लग जाएगा ओके तो कामेश्की के साइड के जो कंपाउंड होते काफ़ी दूर उतरे हमारे प्लेन पाथ से बात करें हमारे डब्ल्यू ओ जी के प्लेस के तो डब्ल्यू ओ जी के प्लेस जो कि मुझे अभी तक के लिए स्टॉलबर के अपर साइड के जो नॉर्थ कंपाउंड होते हैं लूट का तो देखने को मिल रहा है एनईआर की बात करें तो एनईआर के हमारे स्लोप ऑफ जो कि लोकेशन की बात करें तो एक्जैक्टली हमें रूम्स की तरफ को लूट तो देखने को मिल रहा है बात करें हमारे टी एक्स जी के प्लेस की तो टी एक्स जी के प्लेस हमारे नोवर कुनार को कर चुके ऑक्यूपाई अभी तक थे पूरा का पूरा स्क्वाड यहाँ पर आराम से पहुँच चुका बिना किसी दिक्कतों के तो देखते हैं बाकी स्क्वाड कहाँ पर अभी तक के लिए बात कर रहे थे अपन लोग रावत जी की तो रावत जी यहाँ पर रवाना हो चुके हैं काफी अच्छा डिसीजन है रावत जी की तरफ से गन जहाँ पर मिल चुके हैं लूट करना कर दिया स्टार्ट फिर उसी तरह की दिक्कत अभी तक तो नहीं आने वाली। लॉर्ड के प्लेस की बात करें अभी सोलो सोलो कह रहा हूँ मतलब सिरिल जो कि सोलो में स्टैंडिंग थे हमारे या मिलिट्री बेस के ऊपर कर रहे थे राज यहाँ पर अभी तक की बात करें तो जोन के अंदर जाना मेरे भाई आपको 600 मीटर बात करें जोन की तो पहला जोन यहाँ पर श्रिंकिंग ना हो चुका है स्टार्ट पूरे तरीके से। बी ई के प्लेस की बात करते हैं तो बी के जो कि प्लेस अभी लूट करके गाड़ी लेकर डालना चालू होगा रोटेशन बात कर ले हमारे लोकेशन की तो लोकेशन हमारी जो कि फार्म के साइड को देखने को अभी तक के लिए मिल सकती है। बीटीएल पे चलते हैं बीटीएल की बात करते तो हमारे स्कूल के बिल्डिंग पे एंड जो कि अपार्टमेंट में स्प्लिट लूट तो देखने में लेकिन फुलफिल कर लें अपने के लिए कंप्लीट जिसकी किसी भी तरीके की दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। एच बी के प्लेयर्स की बात करें तो एच बी के जो हमारे प्लेयर्स अभी देख ले रोजोक लूटते हुए दिख रहे हैं आराम से लोड लूटते हुए दिख रहे हैं हमारे थर्ड पार्टी है सेकंड पार्टी करने वाला अभी देख ले कोई नहीं है। बात करते हैं हमारे जेन एन टी एच के जेन एन टी एच के प्लेयर जो कि यास्ना पे उतरते हुए दिखे थे एक्जैक्टली जैसे बनाया था हमारे एपू भैया ने हमारे क्वीन को कर दिया था इस मैच के अंदर से वाइप आउट 17th रैंक के ऊपर एक किल अपने खाते में डाल चुके हैं आराम से पूरे लूट कर चुके हैं गाड़ी का जुगाड़ कर लेंगे जोन आपके पास है तो किसी भी तरीके की दिक्कत शायद अभी तक के लिए आने वाली नहीं है आप लोगों को। ए एन एच की बात करें तो हमारे ए एन एच के प्लेयर जो कि है पोचिंकी की तरफ को लूट करते देखे हमारे एन एच का प्लेयर एक्जैक्टली भाई पोचिंकी की तरफ को लूट करते देखने को मिल रहा है देखते क्या रहती है सिचुएशन थोड़ी देर के अंदर अभी तक लेटी क्यू टीम को दिखाओ जरूर दिखाते मेरे भाई टीम टी क्यू को स्कूल दिखाओ भवेश ब्रो मैंने स्कूल पे अभी ही दिखाया था एंड हमारे टीम को एक्सप्लेन कर दिया था कहाँ पर करते हुए देखिए बाकी दोबारा थोड़ी देर के अंदर स्विच कर देगा मेरे भाई। बात करें हमारे एन एच के प्लेयर की तो एन एच के प्लेयर जो कि हमारे पोचिंकी तो उतरते देखने को मिलते बात करते हमारे टी क्यू की जो ट्राई हुआ है टी क्यू का ट्राई थोड़ी सी अलग एक ड्रॉप लोकेशन पे आया जो कि जिसे कहते हैं स्टॉलवर पे लाभ से कर लोगे लूट क्योंकि 3x लूट का आपका जो ये एडवांस कस्टम रूम है तो किसी भी तरह की दिक्कत आपको नहीं आने वाली क्योंकि लूट आपको आराम से मिल जाएगी क्योंकि अगर 1x लूट होती थी तो शायद उसमें आपको स्टॉलवर के ऊपर काफ़ी दिक्कत आने वाली। पटाखे चलते हमारे स्कूल के बेस के ऊपर तो स्कूल के बेस हमारे कौन से देखने को मिल रहे थे पटाखे चलते हमारे बेस के ऊपर स्कूल पे कौन सी थी मेरे भाई स्क्वाड मेरे ध्यान से उतर गया डब्ल्यू ओ जी के प्लेस थे नहीं डब्ल्यू जी के प्लेस नहीं है एन ई आर के प्लेस थे नहीं एन ई आर के हमारे वाटर सिटी लूट रहे ओके तो टी एक्स जी के प्लेस थे टी एक्स जी के प्लेयर हमारे नोवर कुमार पे देखते हुए मिल रहे ओके यस बी टी एल के प्लेयर थे एक्जैक्टली मेरे भाई बी टी एल के प्लेयर की बात करें तो हमारे स्कूल की तरफ को आ चुके स्कूल के बिल्डिंग से वहाँ पर लूट कर लिए पूरे तरीके से यहाँ पर अपार्टमेंट को कर चुके हैं ऑक्यूपाई बात करें गाड़ियों की तो एक गाड़ी मेरे को देखने को मिल रही है जो प्लेयर्स ने अपने सेव कर लिया। बात करें हमारे जो कि प्लेन की आवाज़ आई थी प्लेन ने वहाँ पर ड्रॉप का फेंका मेरे पे फ्लेयर तो ड्रॉप नहीं है नहीं एक्जैक्टली फ्लेयर ड्रॉप नहीं है लेकिन मेरे पास सरकारी ड्रॉप का फेंका थोड़ी देर पे अंदर पता लग जाएगा। बात कर लेते हमारे लूट की जो कि हमारे बीटीएल के जोकर की बात करें हमारे एक बोल्ट एक्शन इस देखने को मिल सकता है हमारी टीम के अंदर जो हमारा जोकर भाई कार 98 स्पॉट करना चाह रहे। दूसरी बात करें गन्स के लिए क्लोज रेंज या मिड रेंज के लिए हमारे जोकर भाई ने एक असॉल्ट राइफल रखी है जिसे हमें M416 कहते हैं। बात करें हमारे ईऑन की तो ईऑन की बात करते हैं अभी तक के लिए लाइट मशीन के हमारे प्लेयर देखने को मिल सकते हैं जिसे हम DP28 कहते हैं और उसके साथ एक AKM क्लोज रेंज भी देखने को मिलेगी। अभी तक की बात करें हमारे लेजेंड की तो लेजेंड की बात करते हैं तो लेजेंड यहाँ पर अभी तक के लिए M4 विद बैरल के साथ देखने को मिल सकते हैं तो होल्ड करने का ट्राई करें काफ़ी देर से देखते हैं कितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं। बात करें हमारी टीम 19 को दिखाओ जरूर दिखाते हैं मेरे भाई टीम 19 को जो कि हमारे एच बी की जो स्क्वाड है जैसे मैंने बताया था एच बी की स्क्वाड जो कि हमारे रोजोकी स्क्वाड को उतरते हुए दिखी थी एक्जैक्टली मेरे भाई बात करते हैं हमारे गुरु भाई की तो गुरु भाई के पास यहाँ पर अभी तक के लिए M4 देखने को मिल रही है यहाँ पर गाड़ी का जुगाड़ करना है तो गाड़ी का जुगाड़ यहाँ पर पूरी तरीके से कर चुका मेरे भाई क्योंकि आराम से बगी खड़ी हुई है उसको यहाँ पर मिलती है। बात करें हमारे अनुज की
तो अनुज भी यहाँ पर निकल चुके हैं, रवाना हो चुके हैं रोजो के। तो गन्स की बात कर लेते हैं, हमारे स्कारल विद हमारे 7 यूनिकॉर्न की बैरल देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं क्या हमारे भाई 7 यूनिकॉर्न की बैरल को चमकाते हो देखने को मिल सकते हैं, थोड़ी देर के अंदर पता लग जाएगा। वर्ल्ड कॉपी की बात करते हैं, वर्ल्ड कॉपी अभी देख ले रोजोक में लूट करने ट्राई कर रहे हैं। M4 विद मेरे को एक AKM देखने को मिल रही है, एक्जैक्टली मेरे भाई M4 विद AKM के साथ देखने को मिल रही है। चौथा मंच स्टैंडिंग अभी देख ले बैठा हमारा प्रोबोट। तो प्रोबोट की बात कर लेते हैं तो हमारी टीम के अंदर एक DMR स्पेशलिस्ट हमें देखने को मिल सकता है हमारे, जो कि प्रोबोट है विद अपने साथ एक स्कारल होल्ड करके बैठा। पीछे से अपनी गाड़ी लेके जा चुके जो कि बग्गी लेने गए थे हमारे लॉन्डे, अभी देख ले गाड़ी कर चुके जो यहाँ पर किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली है अभी देख ले हमारे लॉन्डे। अनुज की बात की बात करें, अनुज भाई भी गाड़ी लेके आ चुके, लेकिन बात करें पीछे हमारे टीम नंबर 6 रेंज में होता है देखने को मिल रहा है हमारे कर्मा भाई की जो स्क्वाड है, कर्मा की जो स्क्वाड है पीछे लेकिन गाड़ी आने का ट्राई करें। एक्जैक्टली हमारे फ्लिक भाई है जो पीछे आने का ट्राई करें, स्पॉट करने का ट्राई करें, लेकिन पीछे थर्ड पार्टी आने का ट्राई हो सकता है हमारे NER का स्लो पोक स्क्वाड के द्वारा, क्योंकि पीछे से रोटेशन डालते दिख रहे हैं, रोटेशन डालते दिख रहे थे मेरे भाई, लेकिन शॉट देना कर दिए चालू। कहाँ शॉट देना चाहते हो? ओके, तो शॉट देना चाहते हमारे कर्मा भाई की स्क्वाड के ऊपर, लेकिन कर्मा भाई की शॉट भी उन्हीं के ऊपर शॉट दे तो देखने को मिल रही थी मेरे भाई। जहाँ आप जाना चाह रहे हो वहाँ पर, अगर आप अपार्टमेंट तरफ से जाते हो वहाँ पर ऑलरेडी स्क्वाड होल्ड कर देते, लेकिन अभी तक हमारे प्रोबोट को पता नहीं लगा या फिर आप निकल गए तो इसलिए आपको आवाज़ें नहीं आई कि आपके रोजॉक पे पूरी की पूरी एक स्क्वाड आ चुकी थी मेरे भाई। बात करें हमारा रेड जोन बन चुका हमारा जो कि TU के स्क्वाड के ऊपर, काफ़ी गलत हो सकता है मेरे भाई, फटाक से निकल जाना चाहिए आपको रेड जोन के अंदर से, क्योंकि अगर रेड जोन आपके ऊपर गिरा तो छोटा सा डिसएडवांटेज आपको देखने को मिल सकता है। चलते हैं हमारे बाकी ANH के स्क्वाड के ऊपर। तो ANH के स्क्वाड की बात करें जो कि पोचिंकी को उतर को देखने को मिलती है, पोचिंकी पे ऊपर उतरे सेकंड जो है ना पर हो जाएगा श्रिंकी को ना स्टार्ट जो दिया हमारे दो मिनट के अंदर बात करें इस मैच को स्टार्ट हुए हुआ हमारे को 10 मिनट 11 मिनट होने वाले ऑलमोस्ट, एंड 17 टीम्स इस मैच के अंदर आई, तो 17 की टीम में 16 ही बची है, मतलब एक ही खाली क्वीन हुई है एलिमिनेटर। बात करें हमारे प्लेयर्स की तो प्लेयर्स में हमारे 55 प्लेयर्स आए थे जिसमें से 4 हो चुके हैं एलिमिनेट, क्योंकि एक होती है हमारी क्वीन और 3 होते हैं जो कि हमारे रावत जी की जो हमारा स्क्वाड देखने को मिला था। पूरा जोन दिखाओ ब्रो। बात करते हैं हमारे टैंगो की, टैंगो आते देखेंगे फाइट के अंदर यहाँ पर पक कर चुका है कि नॉकआउट हमारे वोल्ट के प्लेयर को, वोल्ट के प्लेयर पे करना चाहेंगे क्लोजिंग अभी तक के लिए मेरे भाई। तो 3 मंथ स्टैंडिंग आते हैं यहाँ पर एक्सरेशन के साथ क्लोजिंग करने देखने को मिल सकते हैं हमारे फैल्कन भाई, फैल्कन वाले गाड़ी लेके आ चुके हैं बात करें दूसरे का बी के अमेजिंग वहाँ पर किंग्स को करते हैं नॉकआउट यहाँ पर ईगल क्लॉ रैंडम मेट करना चाहेंगे, रैंडम मेट किया गया वहाँ पर, लेकिन मेरे भाई कनेक्टिंग का पीछे करना तो करके आते देखने को मिल रहा है। फैल्कन वर्सेस हमारे पे हो चुके हैं 1v1 की सिचुएशन, यहाँ पर ओपन करना चाहेंगे लेकिन फैल्कन डाउन करते देखने वहाँ पर रॉकेट ड्रॉप शॉट देना चाहेंगे फैल्कन शॉट आएंगे फायदा मेरे भाई, जैसा बोला फायदा उठाया। पीछे हमारे ईगल क्लॉ की बात करते तो ईगल क्लॉ की हो चुकी है उनकी सिचुएशन पर भाई शॉट देते देंगे हमारे ईगल क्लॉ हमारे पैर को रात को कर देंगे वाइपर पूरे तरीके से इस मैच के अंदर से पूरी की पूरी स्क्वाड कर दी हमारे वोल्ट की वाइपर हमारे ट्राई को भी की बेसिक द्वारा, लेकिन हमारे कर्मा भाई की स्क्वाड ने वापस सुन लिया यहाँ पर गनशॉट्स की आवाज़ और वापस थर्ड पार्टी करने के लिए आ चुके, क्योंकि शायद उन्होंने किल फीड बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ ली है कि पूरी की पूरी एक स्क्वाड डाउन हो चुकी है। पीछे बात के हमारे वी के टैंगो की जो कर्व देखने को मिल रहे थे वापस कर चुके हमारे कर्मा के फ्लिक को नॉकआउट, वहाँ पर गलत सिचुएशन हो चुकी हमारे कर्मा के प्लेस के ऊपर रैंडम हिट जाएगा हमारे, क्योंकि कल्लू अभी की तरफ से काफी गलत हिट हो चुका था। पीछे मार्केस की बात करते मार्केस काफी अच्छा फ्लैंग भाई आप कर सकते काफी डाउन, लेकिन मेरे भाई कहाँ शॉट देने का ट्राई करो मेरे को कुछ समझ नहीं है। आप शायद अगर आप बॉल पर ट्राई करते तो आप देख सकते हैं, लेकिन बात करें हमारे माजिद को भी कर दिया जाएगा नॉकआउट क्लोजिंग करना चाहेंगे हमारे पैर के ऊपर, क्योंकि किल कर लिया जाएगा सिक्योर। आप कल्लू भैया की बात करें कलुआ ओपी ने कर दिया गया रिवाइवल पूरी तरीके से अपने पैर को, बात करें हमारे क्लोजिंग करना चाह रहे हैं हमारे आशीष भैया, आशीष भैया शॉट देना चाहते खतरनाक नॉक करेंगे हमारे फ्लिक को जो कि फ्लिक पीछे होल्ड करते देखने को मिलते। कलुआ भाई की बात करें कलुआ ओपी ने कर दिया पर रैंडम स्मोक जो विजन करने की फिर रैंडम नेट किया गया था रैंडम नेट हमारे बच्चे बात करें पीछे शॉट देते देख रहे हमारे वी के पे जो कि कवर फायर बनाने का ट्राई करें पीछे से पूरा घूम के आ चुके एक्जैक्टली हमारे फैल्कन भाई गाड़ी लेकर रोटेशन डाल चुके पीछे से मैरकेस आने चाहेंगे मैरकेस और जो कि दो कलुआ ओपी बच्चे कलुआ ओपी आ चुके क्लोजिंग अपने के लिए नीचे रिवल देना चाहेंगे हमारे क्लॉ यहाँ पे क्लॉ और अभी तक के लिए आशीष भैया अभी रैंडम मॉली की गई हमारे ईगल क्लॉ के ऊपर ईगल क्लॉ के ऊपर नहीं मेरे भाई मतलब हमारे कलुआ ओपी के ऊपर, लेकिन कलुआ ओपी को वो मॉली नहीं लगी कलुआ ओपी ने कर दिया एक रैंडम नेट। इस रैंडम नेट के अंदर अभी तक के लिए कोई नहीं आने वाले लेकिन पीछे से बी के पे जा चुके क्लोज इन एंड हमारे कलुआ ओपी को भी कर दिया नॉकआउट लास्ट में छाने के बाद हमारे मार्केस मार्केस को बराती गलत सिचुएशन लेकिन मेरे भाई आप होंगे इस मैच के अंदर से पूरे तरीके से हमारे बी के स्क्वाड्स की तरफ से एलिमेंट। बात करते हैं पटाखे चलते हमारे बी के प्लेस के ऊपर, बी के प्लेस ने भी कर दिया है काफी प्लेस को डाउन वापर अपने खाते में डाल चुके हैं एक्जैक्टली 3 के यहाँ पर अभी तक। बात करें हमारे प्लेयर जो भी लास्ट में स्टैंडिंग बचते हैं हमारे यहाँ पर जो कि अभी तक के लिए रावण ओपी एक्जैक्टली रावण ओपी पे आ चुके गलत सिचुएशन बैक टू बैक नेट किए जा रहे हैं हमारे जो कि बी की बोरोकी स्पोर्ट्स के स्क्वाड की तरफ से। बात करें हमारे रावण ओपी ने भी एक रैंडम नेट या वापस स्मोक कर दिया प्लेयर का करने के लिए जो ये नेट आया था ये नेट से आपकी हो जाएगी ऑलमोस्ट 30 HP पीछे से थर्ड पार्टी करना सकता है जो कि हमारी टीम नंबर 20 के पास है, लेकिन किसी भी तरह की थर्ड पार्टी देखने को नहीं मिल रहा है। अमेजिंग की बात करें अमेजिंग राइट से क्लोजिंग करना चाह रहे हैं अमेजिंग को पता लग चुका लास्ट में स्टैंडिंग के बाद आ चुका अमेजिंग को
आप कर दोगे इस मैच के अंदर से पूरे तरीके से एलिमेंट मेरे भाई, तो अमेजिंग करते हैं एलिमेंट। बात करें हमारे 14th रैंक पे थी हमारी पूरी स्क्वाड एलिमेंट अपने खाते में डाल लिया अपने प्लेयर ने यहाँ पर। 5 किल। बात करें पीछे से रोटेशन डालते देखने को मिल रही है हमारे ANH की स्क्वाड जो रोटेशन डालते देखने को मिल रही है। बात करें हमारे BE के प्लेयर ने डाल लिया अपने खाते में पूरे के पूरे 5 किल मेरे भाई। एनोनिमस सर वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो। मिल्टा मेरे भाई, मिल्टा पे कौन से स्क्वाड अभी पता लग जाएगा थोड़ी देर के अंदर। जो भी स्क्वाड है जोन की तरफ जाने का ट्राई करेंगे। पूरा जोन दिखाओ ब्रो मेरे भाई, मैं पूरा जोन नहीं दिखाएगा। अगर आप मेरे को मैप बोलने के लिए बोलेंगे और बोलेंगे मेरे को पूरा जोन दिखाने के, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मेरे भाई, मैं आपको मैप बिल्कुल भी शो नहीं करेगा, हल्की से झलक भी नहीं दिखाएगा। मिनी मैप में आप जितना देख सकते हैं आप लोग देख सकते हैं मेरे भाई, पूरा जोन में आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा आप। तो प्लीज़ मेरे भाई इस चीज़ के लिए आप लोग मेरे को मत फोर्स कीजिए कि आप मैप दिखाइए, मैप दिखाइए, तो मैं अपनी साइड से नहीं दिखाएगा मेरे भाई। TQ यूनिक को दिखा ब्रो, TQ यूनिक अभी जब फाइट में आए तो दिख देंगे मेरे भाई, दिखा देंगे पटाख से भी जब फाइट जहाँ पर हो रही थी मेरे भाई, उसको ज़्यादा फोकस करना चाहिए मेरे हिसाब से जितना मेरे को बेटर लगता है मेरे भाई। क्योंकि TQ के प्लेस मुझे अभी तक तीनों मैच के अंदर फाइट्स के अंदर आते हुए देखने को नहीं मिले, तो जैसे फाइट्स में आएंगे मैं फटाफट से स्वैप कर देगा। जैसे हमारे बी की स्क्वाड फाइट में थी, पीछे हमारे कर्मा भाई की स्क्वाड फाइट में थी, तो फाइट्स के टाइम पर मैं ट्राई करता फाइट की तरफ देखने का। ANH के प्लेस की बात करें एक्जैक्टली, जैसे ANH के प्लेस स्क्वाड करने का ट्राई कर रहे हैं, प्लेस को पीछे से रोटेशन आते हुए देखने को मिल सकती है हमारे। जो कि वी के प्लेस की जो कि बात करें, वी के प्लेस अगर होल्ड करते देखेंगे हमारे रश के द्वारा कर दिया जाएगा नॉकआउट हमारे बी के प्लेयर के ऊपर, मतलब बी के प्लेयर के ऊपर हो चुकी है। गलत पार्टी बात करें हमारे रश के, ऐसे बी पी चाहेंगे किल करना चाहेंगे बस सिक्योर हमारे IMB का, लेकिन IMB के ऊपर बैक टू बैक स्मोक कर दिया गया। बात करें हमारे वी के ईगल को भी कर दिया गया नॉकआउट हमारे ANH के द्वारा। बात करते हैं हमारे ANH की सिचुएशन क्या करते हैं भाई, क्योंकि वी के जो प्लेयर आते पीछे से कवर वहाँ पर बना चुके हैं, अपनी गाड़ी का स्मोक पर बनाना चालू कर दिया, स्मोक कर दिया गया, ब्लॉक वहाँ पर विजन कर दिया गया, ब्लॉक वहाँ पर डाउन देते देखेंगे। काफी डैमेज दिया जा रहा है हमारे किंग्स के स्क्वाड द्वारा, काफी शॉट दिए जा रहे हैं हमारे जो कि ANH के प्लेयर को। एक्जैक्टली हमारे मस्टैंग ऑलमोस्ट एक गोली लगेगी और आपकी 80 HP हो जाएगी। यहाँ पर एक प्लेयर जो नॉक हुआ था हमारे प्लेयर वी का, उनको देखा जाएगा आराम से। रिवर पीछे से बात करें शॉट देते देखेंगे हमारे टीम में जो कि 5 है, यहाँ पर काफी शॉट दिए गए हमारे टैंगो भाई के ऊपर, टैंगो भाई के साथ जो कि आशीष भैया ने लिया डिसीजन गाड़ी लेकर निकलने गया थोड़ा अच्छा सा कवर बनाने का भी देख ले, देखते क्या रहता है सिचुएशन अभी तक के लिए। मस्टैंग यहाँ पर गाड़ी लेके काफी अच्छी रेंज के अंदर आ चुके, काफी अच्छी रेंज अभी तक के लिए मेरे भाई आपने ऑक्यूपाई कर लिया। तो बात करें हमारे फैलकन, तो फैलकन क्लोज कर चुका मैं टीम नंबर 5 की बात करें, तो टीम नंबर 5 के मेरे भाई कहाँ से आप बने हुए मेरे भाई, आपके लिए काफी गलत हो सकता है। एक्जैक्टली काफी टाइम पे आप उतर गए जो कि हमारे किंग्स के प्लेयर की बात करें, लास्ट 2 मंथ स्टैंडिंग देखने को मिल सकती है कि हमारे फियर हमारे फ्रॉस्टर की, तो फ्रॉस्टर यहाँ पे काफी डैमेज देने का ट्राई कर सकते थे हमारे आशीष भाई को, लेकिन आशीष भाई को डैमेज नहीं जाता। NER के पेड़ पर चलते फटाक से हमारे NER के पेड़ कहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ओके तो NER के प्लेयर ने यहाँ पर गाड़ी कर दी है बस आपकी और आपका कर लिया किल सिक्योर। बात करें हमारे TXG जो प्लेयर है यहाँ पर गाड़ी नहीं मेरे भाई, पानी में कूद चुके पूरी तरीके से। आपकी बस क्या करी गई है मेरे ओके तो गाड़ी करी गई है बस, जैसे कि मुझे सामने देखने को मिल रहा है। देख रहे हमारे जो प्लेयर थे यहाँ पर पानी के अंदर कूद चुके अपना करने के लिए, सामने वालों को से हाइड काफी अच्छा डिसीजन हो सकता है मेरे भाई। जहाँ पर जाने का ट्राई करें हमारे अमारू भाई जहाँ पर जाने का ट्राई करें वहाँ पर ऑलरेडी हमारे BTL के जो भी प्लेयर होल्ड करते हुए देखे मेरे पीछे गार्ड आते हुए देखे। क्लोजिंग काफी अग्रेशन के साथ हमारे NER के स्क्वाड NER के स्क्वाड क्लोजिंग करना चाह रहे हैं हमारे लेजेंड भाई, जो ऑलरेडी सर्वाइव करते हुए देखेंगे। बात करें हमारे स्लोपो की, स्लोपो ने काफी डैमेज दे दिया, स्लोपो स्लोपो कर देंगे आपको नॉकआउट। बात करें हमारे इओन और जो के पीछे होल्ड करते देखेंगे हमारे स्लोपो ने कर दिया हमारे प्लेयर को, इओन को भी स्पॉट, लेकिन पीछे से हमारी A10 की जो स्क्वाड है थर्ड पार्टी करते हुए देखने को मिलेगी हमारे GRT के जो कि ZapioP के द्वारा कर दिया जाएगा हमारे लास्ट मैच संडी को भी एलिमेंट पूरी तरीके से रैंडम या नेट की द्वारा, लेकिन मेरे भाई शायद आपने किल फिट नहीं पड़ेगी जो आखिरी प्लेयर था उसको भी कर देगा एलिमेंट पूरी तरीके से। हमारे ब्रिज के प्लेयर, ब्रिज के प्लेयर जो कि हमारे NER के प्लेयर को कर देंगे नॉकआउट, किल करना चाहेंगे सिक्योर थोड़ी देर के अंदर, लेकिन किल सिक्योर करना शायद मेरे भाई थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए हो सकता है अभी तक के लिए। देखते क्या रहते हैं सिचुएशन हमारे मेजिंग की, तो मेजिंग को कर दिया गया नॉक, यहाँ पर मेजिंग को रिवॉल्व देना चाहेंगे अभी तक के लिए। मेजिंग को आराम से रिवॉल्व दिया जा सकता है, देखते थोड़ी देर के अंदर क्या हो सकता है। प्रोबोट दिखाना दिखा देंगे मेरे भाई, प्रोबोट को भी A10 को दिखा जरूर दिखाते मेरे भाई A10 को, क्योंकि A10 भी मुझे शायद पीछे शॉट देते देखने के, लेकिन कंपाउंड होल्ड करके बैठी है, रैंडम स्मोक किए जा रहे हैं, नेड किए जा रहा है, ओके तो स्मोक किए जा रहे हैं अभी तक के लिए। आपके नीचे वाले पूरे के पूरे कंपाउंड में एक स्क्वाड होल्ड करके बैठी है, जैसे कि बात करें तो हमारे प्रोबोट की, तो प्रोबोट की जो पूरी स्क्वाड है हमारे नीचे कंपाउंड में होल्ड करके बैठी है, जिन्होंने डिसीजन लिया जोन की तरफ जाने का। बात करें हमारे अनुज भाई अपनी टीम से स्काउटर देखने को मिल रहा है, अपनी बाइक लेके जाने का ट्राई कर रहे हैं, सामने जाके काफी अच्छी रिज होती है, उस रिज को ऑक्यूपाई करना चाहेंगे। रिज को ऑक्यूपाई करने के बाद मेरे भाई जो रिज होती है वो थोड़ी सी आगे होती है, आप उस रिज से थोड़ी ज्यादा पहले अभी देख ले रुक गए, लेकिन बात करें हमारे वोड कॉपी की, वोड कॉपी उस रिज के बाद पहुंच चुके हैं, स्काउटर लाने को मेरे कंपाउंड करना चाहेंगे, ऑक्यूपाई देख ले कंपाउंड खाली है, तो किसी भी तरीके की दिक्कत अभी तक आपको नहीं होने वाली। बात करें हमारे टीम नंबर 2 से बस की, जो कि हमारे वी के पेज भी आते देख रहे जोन की तरफ को रोटेशन डाल रहे, कंपाउंड करना चाहेंगे होल्ड, जोन के एज को कर लेंगे अभी तक के लिए ऑक्यूपाई। 4th जोन की बात करें तो 4th जोन यहाँ पर 40 सेकंड के अंदर हो जाएगा मेरा भाई, क्योंकि मैं साथ देखते क्या रहते सिचुएशन अभी तक के लिए अपने लॉन्डो की।
क्योंकि पीछे से एक और पार्टी मुझे रोटेशन डालते देखने को मिल रही है, हमारे एएनएच की स्क्वाड, एएनएच की स्क्वाड पर अभी शॉट दे सकता है, डायरेक्टली मेरे भाई ईगल ने शॉट देने ट्राई कर दिया। बात करें हमारे लॉर्ड के सेरेल को कर दिया जाएगा टीएक्सजी के बेन के द्वारा वाइप आउट इस मैच के अंदर से 12th रैंक के ऊपर। तो बात करें हमारे टीएक्सजी के पे की, तो टीएक्सजी के पे जो कि ऑनिक्स से यहाँ पर होकर नॉकआउट उनको दे दिया जाएगा। रही बात करें हमारे लोकेशन की, तो लक्कावी सॉरी लिपोवका के साइड वाले जो एक पहाड़ी होती है, पहाड़ी के साइड में होल्ड करता दिख रहा है। एक्जैक्टली मेरे भाई बात करें हमारे ब्लिट्स के एस की, तो ब्लिट्स के एस को जाना मेरे भाई 200 मीटर जोन के अंदर, लेकिन मेरे भाई मुझे समझ नहीं आ रहा वो जोन के बाद क्यों आ रहा है। शायद यहाँ पर लूट शायद करने का ट्राई कर सकते हैं, फिर राइट से फ्लैंक ना के जोन के अंदर जाने का ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक के लिए पीछे से बाकी टीम का कवर अभी तक देखने को नहीं मिल सकता है। 11 टीम अभी इस मैच के अंदर सर्वाइव कर रही है, 33 प्लेयर अभी देखने को मिल रहे हैं। बात करते हैं हमारे टी डब्ल्यू के मियोंग की, अब चलते हैं हमारे टी डब्ल्यू के प्लेयर के ऊपर, टी क्यू के प्लेयर के ऊपर, लेकिन टी डब्ल्यू के टी क्यू के मियोंग को कर दिया जाएगा नॉकआउट है। हमारे एक और प्लेयर को कर दिया जाएगा खत्म, यहाँ पर ऑलमोस्ट डाउन कर दिया गया। हमारे लास्ट में स्टैंडिंग जो हमारे बच्चे हमारे जो कि यूनिक का थे गलत सिचुएशन, यूनिक भी ऑलमोस्ट यहाँ पर 28 सर्वाइव करते देखने को मिलेंगे। टी क्यू के प्लेयर के जितना देखने को मिला है, काफ़ी होल्ड गेम खेलते हैं, काफ़ी पोजेसिव गेम तो नहीं है यहाँ पर, काफ़ी स्लो एंड स्टेडी गेम है, लेकिन स्लो एंड स्टेडी गेम को बोल्ट एक्शन के द्वारा कर दिया जाएगा इस मैच के अंदर से वाइप आउट। 11th रैंक के अंदर भाई टी क्यू की बात करें तो टी क्यू के जैसा मैं बता रहा था एग्जैक्टली हमारे स्लो एंड स्टेडी गेम खेलने का ट्राई करते हैं, लेकिन स्लो एंड स्टेडी में लास्ट के जोन के रोटेशन अगर आप डालना चाहोगे उसमें स्लो एंड स्टेडी नहीं कर पाओगे, उसके अंदर आपको फाइट लेनी पड़ेगी, नहीं तो मुझे नहीं लगता आपको जोन के अंदर आने देगा, जैसे मैंने तीनों के तीनों मैच के अंदर आपका एंड जो कि नोटिस किया। बाकी टी क्यू के प्लेस को मैंने कल या परसों भी एक ग्रुप पे शायद खेलते हो देखे थे, शायद वहां पर भी मैंने नोटिस किया था कि जोन के बाहर ही ज्यादातर हो चुके थे वाली में, क्योंकि जोन के अंदर तक ऑक्यूपाई कर ही नहीं पाते, क्योंकि काफी क्या कहते हैं मेरे भाई, काफी स्लो गेम खेलते, स्लो गेम को क्या बोलेंगे मेरे भाई, एग्जैक्टली एग्रेशन गेम देखने को नहीं मिलते, क्योंकि तब तक कोई दिक्कत नहीं। बात करते हमारे शॉट देते देखेंगे हमारे एनआर के प्लेयर काफी अच्छी रिज होल्ड करके बैठे हुए, प्लेयर काफी अच्छा कवर बना लिया अपने लिए। मीशू को कर दिया जाएगा भाई, बट हमारे स्लोपो के द्वारा मतलब किल कर लेगा पूरी तरह से। क्या बात करें हमारे एएनएच के प्लेयर की, तो एएनएच के प्लेयर बग्गी लेके जाने जा रहे हैं जोन के अंदर। अमेजिंग भाई की बात करें तो अमेजिंग भाई को कर दिया जाएगा नॉकआउट। हमारे ट्रिगर लास्ट के ट्रिगर को करा दिया, ट्रिगर को भी कर दिया हमारे और हमारे फैल्कन भाई अगर चला गया नेट, यहाँ पर 40 की 50 गोलियां चला चुके हैं पूरी तरीके से, नेट वापस आ चुके अभी तक के लिए। लेकिन दूसरी जगह बात करें हमारे बीई के प्लेयर्स की, तो बीई के प्लेयर्स होते हैं इस मैच के अंदर सेगमेंट। बात करें तो ऑनिक यहाँ पर शॉट दे जाएंगे, राजेश को खरीद दिया जाएगा खतरनाक नॉकआउट, क्या ही बर्थडे तो दिख रहे हैं हमारे लॉन्डे पर देख ली टीम 21 पे चलते हैं, पर स्मोक कर चुके हैं पीछे से शॉट चाहते हुए देखने को मिले चुके हमारे किंग्स की तरफ से। 8M के गेमर को कर दिया जाएगा, अरे 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 भैया ओसीएल्ला भैया कहाँ मार रहे हो मेरे भाई, जमीनों के अंदर एनफोर्स चलाई जा रही है हमारे प्लेयर को द्वारा। बात कर रहे थे जैसे हमें 8-10 रुपए की, क्योंकि एसगार्ड थोड़े आप अभी तक लास्ट में स्टार्टिंग पड़े और हमारे सामने एनईआर का पूरा ट्रायल देखने को मिल सके, तो मतलब एक तरीके से 1v3 हो चुकी सिचुएशन। तो स्लो पॉक की बात करते हैं, स्लो पॉक यहाँ पर लूटने का ट्राई कर रहे हैं अभी तक के लिए, पीछे आना चाहेंगे हमारे प्लेयर को देना 3v1 इज वेरी इम्पॉसिबल थिंग। बात करें हमारे रावत जी की, तो स्पाइकर रावत जी तो अपने आप को टॉप 99 टीम्स के अंदर लेके आ चुके हैं। हमारे फ्रॉस्टर को कर दिया जाएगा भाई, बट हमारे व्हीकल फाल्कन को, फाल्कन अगर खतरनाक खेलते देखने को मिले जोन के अंदर आ चुके, जोन में आ चुके ऑक्यूपाई अभी देखे। एचबी के गुरु को कर दिया जाएगा नॉकआउट, हमारे प्लेयर को द्वारा खेल करना चाहेंगे सिक्योर। हमारे जो स्लो को गए स्लो कर देंगे पूरा का पूरा, कैसे कर दी स्पाइक है रावत जी को भी कर दिया जाएगा हमारे प्लेयर के जैसन वाइटी के द्वारा एलिमेंट, जो कि गाड़ी लेके जोन में आने का ट्राई कर, जिसका फायदा उठाएंगे हमारे जो कि एस गॉड काफी जो कि आराम से खेलता हुआ दिख रहा है हमारा लौंडा, यहाँ पर किसी भी तरीके का ओवर कमिटमेंट नहीं दिख रही है, काफी आराम से लौंडा जोन के अंदर पहुंच गया, काफी अच्छी सिचुएशन दिख रही है। हमारे आमरू को कर लेगा, अमारू को कर लेगा स्पॉट, लेकिन मेरे भाई अमारू को शायद आपको स्प्रे नहीं देना चाहिए, आपको जाना चाहिए था जोन के अंदर, क्योंकि लास्ट में स्टैंडिंग हो थोड़ी जो आप गेम खेल रहे थे आप स्लो गेम को एक रखना था थोड़ा सा मेंटेन मेरे भाई, क्योंकि अगर आपके ऊपर आया पुश हमारे एनआर के प्लेयर के द्वारा तो आप हो जाओगे एलिमेंट। थोर के ऊपर आता है एक नेट, काफी खतरनाक नेट हुआ था और आपको कर दिया जाएगा मारू की M4 के द्वारा भाई, पर जैसा मैंने बोला आपके लिए काफी गलत डिसीजन हो सकता था, एक किल पॉइंट के चक्कर में आपने अपने पोजीशन पॉइंट गवा बैठे। एचबी के अनुज की बात करते हो, एचबी के अनुज वहां पर देंगे जोन से नॉकआउट, मेरे भाई क्या सिचुएशन रहती है हमारे एचबी के अनुज की जोन के बाहर हो रहे हो। ओशेला को कर दिया जाएगा इस मैच के अंदर से एलिमेंट, जो कि शायद होल्ड कर तो देखने को मिल रहा है। बात करें हमारे वर्ल्ड कॉपी की, तो वर्ल्ड कॉपी का भी किल ले लिया जाएगा हमारे टीएक्सजी के ओनिक्स के द्वारा। छठा जोन यहाँ पर शेकी होना जाएगा स्टार्ट 20 सेकंड के अंदर, जो कि हमारे काफी काटने वाला। चलते हैं हमारे स्लो पॉक के ऊपर, भाई लौंडा क्या ही खेल रहा है मेरे भाई, क्लोजिंग करते लौंडे के ऊपर पता क्या रहा है सिचुएशन अभी देख रहे। टैंगो को कर दिया जाएगा नॉकआउट, जो क्लोजिंग करना चाह रहे। वी के अनिशा कर दिया जाएगा भाई, पर पूरी तरह से किल कर लिया जाएगा। जैसन वाइटी की बात करें,
जैसन वाइट शॉट देते दिख रहे किल करना चाह रहे सिक्योर हमारे वी के पेज को बात करें तो वी ई के पेज अभी देख ले शैक के अंदर होल्ड करते हुए बैठे। बात करें हमारे अबू भैया जो थे अबू भैया को भी कर दिया जाएगा लास्ट में स्टैंडिंग इस मैच से एलिमेट पूरे हमारे जेपी ओपी की तरफ से सिक्स रैंक के अंदर 14 टीम में मेरे भाई 14 प्लेयर्स देखने को मिल रहे हैं 5 टीम देखने को मिल रहे अभी देख ले तो देखते हैं कौन सी टीम लेके जाती है चिकन डिनर हमारे जो भी कर्मा भैया की स्क्वाड ने पिछले मैच का चिकन डिनर लिया था तो वो तो चिकन नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो चुके मैच के मैं काफी जल्दी एलिमेट। लेकिन बात हो रही हमारे एनईआर के प्लेयर को कर दिया जाएगा थर्ड पार्टी होने के बाद काफी जगह से फाइट पड़ी हमारे एएनएच के बेन हमारे टीजी के बेन और आप हो गए इस मैच के अंदर सब फोर्थ रैंक के ऊपर एलिमेंट अभी देख लो फोर्थ रैंक भी नहीं मेरे भाई फिफ्थ रैंक के ऊपर एलिमेंट क्योंकि हमारे जो कि गुरु लास्ट में स्टार्टिंग थे वो होते हैं फोर्थ रैंक के ऊपर एलिमेंट वी के जो कि टैंगो होते हैं जोन से वाइप आउट ईगल क्लॉज लास्ट में स्टार्टिंग होते हैं जोन यहाँ पर जो बन चुका है सेंटर को कर चुका है ऑक्यूपाई अभी देख ले जोन के अंदर जाना है सारी की सारी टीम्स को काफी गलत सिचुएशन अभी देख ले उसके हमारे ईगल क्लॉज की क्योंकि ईगल क्लॉज जोन के बारे में देख ले होल्ड करते देखने को मिले एंड ऊपर से लास्ट में चैट बात करें हमारे ऑनिक्स वहाँ पर रैंडम शॉट गेम ट्रैक रहे वहाँ पर हमारे जैपी ओपी की चलती देखिए कार 98 जो एक नई वाली आ चुकी है पर टाक से बढ़ेगा एक शॉट होकर देगा नौकर यहाँ पर होल्ड करना चाहेंगे हमारे राजेश भैया क्या राजेश भैया अपने प्लेयर को रिव्यू दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे थोड़ी देर के अंदर पता लग जाएगा। लेकिन हमारे राजेश भैया तो नहीं है हमारे जो कि मस्टैंग भैया यहाँ पर देना चाह रहे रिवाइवल लेकिन हमारे राजेश भाई को भी कर दिया जाएगा नौकर हमारे प्लेयर के द्वारा स्पॉट कट वहाँ पर रिवल क्लॉज देना चाहेंगे अपने प्लेयर को रिवल 24 सेकंड आपके पास आराम से दे सकते हमारे भाई रिवल किसी भी तरीके की दिक्कत आपको नहीं होने वाली राजेश भैया का किल स्टील कर लिया जाएगा हमारे बेन के द्वारा मतलब किल स्टीलिंग भी हमारे टीएक्सजी के स्क्वाड की तरफ से चालू हो चुकी है यहाँ पर जो नॉक किया था हमारे वी के प्लेयर ने किल कर लिया गया सिक्योर हमारे लॉन्डो की तरफ से टीएक्सजी के साथ जो यहाँ पर श्रिंकिंग होना हो चुका है स्टार्ट मेरे भाई 3 टीम देखने को मिल रही है 3v3v2 की रहती है सिचुएशन बिल्कुल 3v2v2 की सॉरी एक्जैक्टली 3v2v2 की रहती है पर सिचुएशन बात करें हमारे स्मोक पर बनाना चालू कर दिया हमारे वी के प्लेयर ने जो हमारी टीम नंबर 21 के प्लेयर ने भी बात करें हमारे टीएक्सजी के प्लेयर की तो टीएक्सजी के पापा गाड़ी लेके जोन में आ चुका है काफी अच्छा कवर कर चुका है क्योंकि हमारे जो कि बेन अभी तक के लिए स्पॉट कर सकते हैं सामने प्लेस को मेरे भाई स्पॉट एक्जैक्टली आप कर सकते हो मेरे भाई वहाँ पर देखने तो अगर लियो की बात करें तो लियो अभी तक के लिए जोन के बाहर होल्ड करते देख रहे हैं लियो कर रहे शायद मेरे भाई हिल बैटल लेकिन हिल बैटल के नाम पे आपके पास एक और फर्स्ट सीड है तो किल कर लिया जाएगा सिक्योर हमारे मस्टैंग का हमारे बेन की तरफ से एक और किल कर लिया गया सिक्योर लास्ट मैन स्टैंडिंग हमारे लियो बचते लियो के ऊपर आते गलत सिचुएशन में मेरे भाई हीलिंग आपके पास नहीं हो और आप शायद हो जाओगे इस मैच के अंदर से एलिमेंट पूरे कर लीजिए जोन की तरफ से एक्जैक्टली मेरे भाई तो रहती है सिचुएशन यहाँ पर 3v2 की वी वर्सेस हमारे टीएक्सजी के शायद मोस्ट ऑली पता है वी के प्लेस लेफ्ट पर वी के प्लेस को पता है कि हमारे टीएक्सजी के प्लेस जो कि सामने राइट से फ्लाइंग एंगल बनाने का ट्राई कर रहे हैं जो कि हमारे जैपी ओपी की बात करें खतरनाक फ्लाइंग एंगल बना रहे हैं एक बग के राइट से जाने का ट्राई करें प्लेयर को कर सके स्पॉट शायद हीलिंग के नाम की बात करें तो एक फर्स्ट एड हमारे ईगल क्लॉक के पास है लेकिन मेरे भाई फर्स्ट एड यूज क्यों नहीं कर रहा मुझे समझ नहीं आया एकदम रैंडम जो नेड आया था 2 टीम की तरफ से रैंडम रेड किया जा रहा है लेकिन जो टीम नंबर 13 के रेड है वो थोड़े ज़्यादा हाई टॉस पे जा रहे थे जोन के बाद जा रहे हैं हमारे जो वी के जो यार नेड आ रहे काफ़ी लो टॉस पे जा रहे हैं तो इसीलिए शायद हमारी टीम तक पहुंचने वाले लेकिन बेन को कर लेंगे स्पॉट हमारे प्लेयर जो कि अभी यहाँ पर शॉट देना चाहेंगे मौली करी आई हमारे ऑनिक्स को लेकिन ऑनिक्स को वो मौली अभी तक कनेक्ट नहीं 8वां जोन यहाँ पर हो चुका है श्रिंकिंग होना स्टार्ट मेरे भाई गलत हो सकता है आपके लिए कि आपको जाना जोन के अंदर एक्जैक्टली मेरे भाई दोनों जोन के अंदर जाना एक फैल्कन राइट से कर देंगे एक पेयर को नॉकआउट लेकिन हो जाएंगे जोन के अंदर से पूरे तरीके से एलिमिनेट और हमारे टीएक्सजी की जो स्क्वाड लेके जाएगी इस मैच का चिकन डिनर। तो बात करें हमारे टीएक्सजी के पेयर की तो टीएक्सजी के पेयर लेके जाते हैं 12 खेल के सबसे पहले मुझसे बी का हमारा बी का स्क्वाड थर्ड का था हमारा एएनएच फोर्थ का था हमारा एचबी फिफ्थ का था हमारा एनईआर सिक्स का था हमारा बिल्ड सेवन का था हमारा किम्स एट का था हमारा एट एंड नाइन का था हमारा स्काई टेन का था हमारा बी 11 का था टी 12 का था लॉर्ड 13 का था बीटीएल 14 का था हमारा डब्ल्यूजी 15 का था कर्मा 16 का था बोल्ड एंड 17 का थी हमारे सोलो में सेंडिंग आईटीजी क्वीन ओपी थी। तो ये थी इस मैच की सारी सिचुएशन थर्ड मैच की जो कि हमारा था रैंगल का मैच और हमारे टीएक्सजी की स्क्वाड लगे थे इस मैच का। तो भाई लोगों आप लोगों की जो बाकी के 3 मैच वो होने वाले मोस्ट प्रोबेबली कल रात को 9, 10 and 11 PM के तो मिलेंगे आपको यमरो ग्रो कास्ट करते हो बाकी भाई लोग अपना आता है इस टाइम स्ट्रीम को करने का बंद क्योंकि हमारी स्ट्रीम का टाइम हो चुका पूरा और अब जो अगली स्ट्रीम के पास मिलेंगे आपको हमारे यमरोग भाई नाइट में मिलेंगे मोस्ट वाले 9 PM के आसपास तब तक ले गए बाय बाय टाटा।